हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग अपने गुरु नीति के 14th एपिसोड के अंदर डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन और एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मायसेल्फ ताराचंद, टीम मैथ सीएलसी सीकर। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो हमें यहाँ पे दिया है, देखिए, एक्स क्यूब डी वाई प्लस एक्स वाई डी एक्स विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस टू वाई डी एक्स। साथ में हमें दिया है y ऑफ 2 की वैल्यू e के इक्वलेंट है, x ग्रेटर देन 1 है, सो y ऑफ 4 की वैल्यू क्या होगी ये हमें निकालनी है। सो देखिए, चार टर्म दी गई है और कुछ मीन्स इस तरीके से एग्जैक्ट डिफ्रेंशिएशन का हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम एक काम करते हैं, dy और dx को अलग करते हैं और देखते हैं कि क्या आएगा। सो dy का कोफिशिएंट आ रहा है, x स्क्वायर कॉमन आ गया वहां से। सो x स्क्वायर कॉमन लेने के बाद x माइनस 1 इंटू dy और साथ में आएगा प्लस डी एक्स का जो कोफिशिएंट है वो आपके सामने। सो दैट इज एक्स वाई है, उधर टू वाई है, सो वाई कॉमन आ जाएगा, एक्स माइनस टू इंटू डी एक्स और दैट विल बी इक्वल टू जीरो। इसको इंटीग्रेट करने के लिए वेरिएबल को सेपरेट कर लेते हैं। सो वाई को यहाँ पर ले आए, सो वाई को यहाँ पर लाएंगे तो डी वाई अपॉन वाई और एक्स वाली टर्म को इधर ले आए, सो एक्स माइनस टू डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन इंटू dx और that will be equal to 0। इसको इंटीग्रेट करने के लिए इसके पार्शियल फ्रैक्शंस करने होंगे, जैसे हमने इंटीग्रेशन में करते हैं। तो इसके पार्शियल फ्रैक्शंस देखिए कैसे होंगे, dy upon y plus a upon x plus b upon x square plus c upon x minus 1 और into dx। सो इसको इंटीग्रेट करने से पहले हमें ए बी और सी की वैल्यू चाहिए होगी, सो वो निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं, देखिए, बी निकालने के लिए आपको इस एक्सप्रेशन के अंदर एक्स की जगह पे कितना पुट करना है, आपको जीरो पुट करना है एक्स स्क्वायर को छोड़ करके। तो बाकी जगह पे जब जीरो पुट करेंगे तो बी की वैल्यू आएगी कि देखिए माइनस टू डिवाइड बाई माइनस वन, सो दैट इज टू। सी निकालने के लिए एक्स को वन पुट करना है लेकिन इस एक्स माइनस वन वाले फैक्टर को छोड़ के, सो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन पुट करेंगे तो ऊपर आएगा माइनस वन और डिवाइड बाय नीचे एक्स स्क्वायर की जगह पे वन पुट करेंगे तो वन, सो सी की वैल्यू आएगी हमारी माइनस वन। ए निकालने के लिए हमारे पास में कोई डेटा नहीं है क्योंकि जीरो हम पुट कर नहीं सकते, वो तो हाईएस्ट पावर के लिए करते हैं। तो आप कोई भी एक नया वेरिएबल पुट कर दें, तो एक्स को माइनस वन से रिप्लेस कर दें तो देखिए कितना आ रहा है। सो एक्स को देखिए माइनस वन से ऊपर रिप्लेस करेंगे तो ये होगा थ्री बाई टू विल बी इक्वल टू, यहाँ पर माइनस वन से रिप्लेस करेंगे तो आएगा माइनस का ए, ये हो जाएगा प्लस का बी और यहाँ पर आ जाएगा आपके सामने माइनस वन से रिप्लेस किया है, सो माइनस का सी बाई टू। इसको सोल्व करते हैं, देखते हैं ए कितना आ रहा है। ए इधर आ जाएगा विल बी इक्वल टू माइनस थ्री बाई टू प्लस बी, बी की वैल्यू कितनी आई थी हमारे सामने टू, माइनस सी की वैल्यू माइनस वन आई थी, सो माइनस वन पुट करेंगे तो ये बन जाएगा प्लस वन बाई टू। तो यहाँ से ए की वैल्यू आएगी माइनस थ्री बाई टू प्लस वन बाई टू इज माइनस वन, सो यहाँ से ए की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी हमारे सामने, वन आ जाएगी, टू माइनस वन दैट इज वन। तो ये वैल्यूज यहाँ पर पुट करके इसको साथ में इंटीग्रेट भी कर देते हैं तो देखते हैं कितना आएगा। देखिए, तो यहाँ से आपको मिलेगा डी वाई अपॉन वाई, सो देर विल बी एल एन वाई प्लस ए की वैल्यू कितनी थी हमारे सामने वन, सो देर विल बी एल एन एक्स। साथ में ये आएगा आपके सामने, पहले उस टर्म को लिख लेते हैं, सी कितना था माइनस वन, सो माइनस का एल एन एक्स माइनस वन। अब इसको लिख लेते हैं, बी कितना आया था, बी टू आया था, सो माइनस का टू बाई एक्स प्लस सी विल बी इक्वल टू जीरो। सो यहाँ से देखते हैं कि सी की वैल्यू कितनी आएगी। सो सी की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दे रखा है कि वाई ऑफ टू की वैल्यू ई है, सो वाई ऑफ टू की वैल्यू ई यहाँ पर पुट करते हैं और देखते हैं कि सी कितना आ रहा है। तो x की जगह पे 2 पुट करते हैं और y की जगह पर e, तो देखिए ये तो 1 बन जाएगा प्लस ln x ln 2 माइनस 2 माइनस 1 ln 1, सो दैट इज 0 और यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो ये आएगा माइनस 1 प्लस c विल बी इक्वल टू 0। तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा और c की वैल्यू आ जाएगी हमारी माइनस ln 2। ये वैल्यू वहाँ पुट कर देते हैं और साथ में ही हमें निकालना है क्या, हमें y ऑफ 4 निकालना है, मीन्स x की जगह पर 4 पुट करना है और देखना है कि y कितना आएगा। तो देखिए ln y, x की जगह पे 4 पुट करते हैं तो ये ln 4 जिसको आप लिख सकते हो 2 टाइम ln 2
माइनस यहाँ फोर पुट करेंगे तो ये होगा एल एन थ्री, सो माइनस का एल एन थ्री, यहाँ पर आप जब फोर पुट करेंगे तो ये आएगा आपका माइनस वन बाई टू, एक्स की जगह पे फोर पुट किया और सी था आपका माइनस का एल एन टू, इसकी वैल्यू कितनी थी जीरो। तो यहाँ से देखते हैं कि एल एन वाई या वाई की वैल्यू कितनी आएगी, तो एल एन वाई विल बी इक्वल टू, सबको राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, एल एन थ्री उधर जाकर के पॉजिटिव हो जाएगा, सो एल एन थ्री टू एल एन टू माइनस एल एन टू इज प्लस एल एन टू, जो उधर जाकर के माइनस एल एन टू बन जाएगा, और साथ में प्लस वन बाई टू, वन बाई टू क्योंकि सारी टर्म लॉग में है तो यहाँ पर भी एक लॉग बना देते हैं, लॉग ई टू दी बेस ई जो कि वन होता है। अब देखिए इन सबको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी हमारे सामने, यहाँ से ऊपर तो आएगा आपके सामने थ्री, साथ में पॉजिटिव वाली टर्म ये है तो वन बाई टू ऊपर जाकर के ये बन जाएगा रूट ई और डिवाइड बाई टू, यहाँ से नीचे आ जाएगा टू, तो ये आपके सामने वाई की वैल्यू होगी जब एक्स आपका कितना आएगा फोर आएगा। सो पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद में आपका जो फाइनल आंसर होगा वो कौन सा ऑप्शन आएगा, थर्ड ऑप्शन जो कि आपका सही आंसर है। चलिए आगे बात करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर टू, और क्वेश्चन नंबर टू में देखिए हमसे क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर टू के अंदर आपसे बोला गया है कि लेट y इक्वल टू वाई एक्स बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना, ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है जो हमें यहाँ पर दी गई है, ठीक है, तो आपको बताना है कि इसका आंसर कितना आएगा। तो अगेन देखिए इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, तो देखिए कैसे करेंगे। फिर से यहाँ पर जो टर्म है एक्स वाई डेस, तो ये है डीवाई बाई डी एक्स, एक्स से डिवाइड कर देते हैं, माइनस वन अपॉन एक्स इंटू ये बन जाएगा आपके सामने वाई, विल बी इक्वल टू एक एक्स से डिवाइड कर दिया तो यहाँ पर आएगा एक्स, और साथ में है आपके सामने एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अच्छा हमें चाहिए क्या, वाई ऑफ पाई पाई टू चाहिए और वाई डबल डेस ऑफ पाई पाई टू, मीन्स पहले वाई वाला फंक्शन निकालते हैं उसी से हमें y डबल डैश डिफरेंशिएशन करके वापस निकाल लेंगे, या इसका डिफरेंशिएशन करके भी आप y डबल डैश निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको सॉल्व करने के लिए हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर चाहिए, जो कि है कितना आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू होगी e टू दी पावर माइनस वन बाई एक्स इंटू डी एक्स, जिसका इंटीग्रेशन होता है log x, माइनस साइन को ऊपर लेके जाएंगे तो e इंटू एल एन एक्स की पावर माइनस वन, जो आ जाएगा आपके सामने वापस सिंप्लीफाई होकर के 1 अपॉन x। तो 1 अपॉन x क्या है आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो यहां से आपका आंसर कितना आएगा y इंटू वन बाई एक्स, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, सो ये हो जाएगा x cos x प्लस साइन x, x कट जाएगा और इंटू डी एक्स, इसे इंटीग्रेट करते हैं तो ये देखिए डिफ्रेंशिएशन बन गया मेरे हिसाब से, ये है आपका x इंटू साइन x का डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, x इंटू साइन x को अगर हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो देखिए साइन x का डिफ्रेंशिएशन cos x और x का डिफ्रेंशिएशन 1, तो ये होगा, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो y बाई x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में x साइन x प्लस c, ये हमारा फंक्शन है। c निकालने के लिए y और पाई की वैल्यू पाई दी है तो यहाँ पाई पुट करेंगे तो 0 होगा, और x और y दोनों पाई पाई है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, सो ये हो जाएगा 1 विल बी इक्वल टू 0 प्लस c, सो c की वैल्यू यहाँ से 1 आ जाएगी, तो फाइनली आपका जो फंक्शन y है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर साइन x, और क्योंकि c 1 है तो यहाँ पर भी आएगा आपके सामने x। तो अब यहाँ से आपको वैल्यूज निकालनी है अपनी, तो सबसे पहले अगर हम y और पाई पाई 2 की बात करें तो इसमें पाई पाई 2 पुट करना है, तो y और पाई पाई 2 की वैल्यू होगी यहाँ से आपकी, इसमें पाई पाई टू पुट करेंगे तो ये होगा पाई स्क्वायर बाई फोर, और साथ में पाई पाई टू पुट किया है तो एक आ जाएगा पाई डिवाइड बाई टू, ये है आपका क्या वाई ऑफ पाई पाई टू, साथ में चाहिए वाई डबल डैश ऑफ पाई पाई टू, तो इसको दो बार डिफ्रेंशिएशन करना है, तो चलिए करते हैं, सबसे पहले वाई डैश निकालते हैं तो ये आएगा टू एक्स साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स और एक्स का डिफरेंशिएशन वन, ये तो एक बार डेरिवेटिव हुआ। अब निकालते हैं वाई डबल डैश, सो वाई डबल डैश की वैल्यू आएगी देखिए टू एक्स का करेंगे तो साइन एक्स, और साइन एक्स का करेंगे तो कॉस एक्स, और टू एक्स कॉस एक्स,
यहाँ पर किया एक्स स्क्वायर का किया तो 2x cos x, और cos x का करेंगे तो माइनस का x स्क्वायर sin x। इसमें हमें पुट करना है कितना, अगेन पाई पाई 2, ठीक है। तो इसमें जब पाई पाई 2 पुट करेंगे तो देखिए ये कितना आएगा, sin पाई पाई 2 1, सो दैट इज 2। ये टर्म जीरो हो जाएगी क्योंकि cos आ रहा है, और ये टर्म भी जीरो आ जाएगी हो जाएगी क्योंकि साथ में cos आ रहा है। यहां पर आएगा अगेन माइनस पाई स्क्वायर बाई 4, ठीक है ना, क्योंकि माइनस का एक्स स्क्वायर साइन एक्स है। अब हमें क्या करना है, इसको और इसको दोनों को ऐड करना है, इक्वेशन वन और इक्वेशन टू दोनों को ऐड करना है। तो ऐड करेंगे तो देखिए इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और फाइनली आपका आंसर आ जाएगा पाई पाई 2 प्लस 2, जो कि आपका कौन सा ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन, जो कि आपका सही आंसर है। क्लियर है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान से करें बस इन क्वेश्चनों को इस तरीके से, तो आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट, और दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा है कि द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, डीवाई बाई डी एक्स माइनस वाई प्लस 3x लॉग वाई प्लस 3x प्लस 3 विल बी इक्वल टू 0। तो देखिए जैसा डेटा दे रखा है उसी के करस्पॉन्डिंग अगर मैं log y प्लस 3x को t मानता हूँ, ठीक है ना, देखते हैं ln y प्लस 3x को अगर मैं t मानता हूँ, ठीक है, तो यहाँ से मेरे को क्या मिलेगा, यहाँ से मेरे को मिलेगा 1 upon y प्लस 3x into dx ने into dy by dx प्लस 3 will be equal to dt by dx। तो देखिए dy by dx प्लस 3 आपको दिया हुआ है और इसके साथ में 1 upon y प्लस 3x, तो इसको देखिए पूरी इक्वेशन को अगर हम 1 upon y प्लस 3x से डिवाइड कर दे तो ये बन जाएगा देखिए dy by dx प्लस 3, और इसको 1 upon y प्लस 3x से डिवाइड कर दिया तो यहाँ पर कितना बचेगा, माइनस का 1 upon ln y प्लस 3x, या इक्वल टू में ले जाए इसको तो इक्वल टू में ही आ जाएगा y प्लस 3x। अब मैंने log y प्लस 3x को t माना था तो ये तो हो जाएगा 1 बाई t, और ये पूरा का पूरा क्या बन गया, dt बाई dx, क्योंकि इस पूरे को मैंने क्या माना था, t माना था। तो इसको इंटीग्रेट करना है आपको, आप इजीली कर सकते हो, t को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, t dt विल बी इक्वल टू इधर आ जाएगा dx, और इसको इंटीग्रेट करें तो यहां से आएगा t स्क्वायर बाई 2 will be equal to x plus c, t square by 2 will be equal to x plus c, t की value वापिस पुट कर दे और सबको राइट हैंड साइड में ले जाए तो x minus t की value ln y plus 3x का होल स्क्वायर by 2 and plus c will be equal to 0। ऐसा जो भी है वो आपका आंसर है, इक्वल टू में हो सकता है c, कॉन्स्टेंट टर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो x minus log y plus 3x का होल स्क्वायर by 2, और ऐसा हमारा कौन सा ऑप्शन है, अगेन सेकेंड ऑप्शन, जो कि आपका सही आंसर है। हाँ, सी आपको लग रहा है सी तो इक्वल टू में, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप सी इधर ऐड कर किया था उधर ऐड कर दे दीजिए तो ये इक्वल टू सी आपका उस साइड में जा सकता है, ठीक है, उसको इधर रखो या उधर रखो उससे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे बोला गया है कि द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट रेक्टेंगल ए बी सी डी हुज वर्टिसेस ए एंड बी लाइज ऑन द एक्स एक्सिस एंड वर्टिसेस सी एंड डी लाइज ऑन द पैराबोला दिस बिलो द एक्स एक्सिस। तो देखिए ये कौन सा पैराबोला है, एरिया वाले में डायग्राम को थोड़ा सा अच्छे से बनाना है, इस टाइप का है, ठीक है, जो एक्स एक्सिस को माइनस वन और वन पे कट कर रहा है। तो द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट रेक्टेंगल ए बी सी डी हुज वर्टिसेस ए एंड बी जो है वो आपके सामने एक्स एक्सिस पे है और सी और डी इसके ऊपर लाई कर रहे हैं और बिलो द एक्स एक्सिस है, दैट मीन्स आपका जो यहाँ पर जो कर्व बनेगा, ठीक है ना, वो थोड़ा सा इस टाइप का बनेगा ऐसा, ठीक है, ऐसा आपको बताना है कि इसके अंदर लार्जेस्ट रेक्टेंगल कौन सा होगा। तो देखिए सिमेट्रिसिटी से अगर हम बात करें, ठीक है, ये एरिया मैक्सिमम होना चाहिए और इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो देखते हैं कि कितना आएगा, ठीक है। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है, और ये एक सिमेट्रिक है आपका ओरिजिन के अबाउट, ठीक है, तो मान लेते हैं कि इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है वो कितने हैं हमारे सामने, अल्फा कोमा जीरो है,
तो इधर वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे, माइनस अल्फा कोमा जीरो। ऐसे ही नीचे वाले जो पॉइंट्स है वो आपके इस के ऊपर लाई कर रहे हैं, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो यहाँ पर देखिए, जब आप एक्स को अल्फा से या माइनस अल्फा से रिप्लेस करेंगे तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आएंगे माइनस अल्फा कोमा अल्फा स्क्वायर माइनस वन, और इसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे अल्फा कोमा अल्फा स्क्वायर माइनस वन। ये आपके सामने इन चारों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हो गए। मान लिया हमने कि यहाँ पर जो पहले वाला जो पॉइंट है ए है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट्स क्या है आपका अल्फा है। सो ए बी सी डी, ये आपके सामने एक रेक्टेंगल बन रहा है। और इस रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, इसका एरिया होगा आपका बेस इंटू हाइट, सो देर विल बी टू अल्फा, अल्फा माइनस अल्फा इज टू अल्फा, इंटू हाइट, हाइट कितनी होगी आपके सामने अल्फा स्क्वायर माइनस वन। सो ये इसका क्या है, एरिया है। और ये क्या होना चाहिए, ये मैक्सिमम होना चाहिए। तो मिनिमम मैक्सिमा के लिए इसमें से डी ए बाई डी अल्फा कैसा होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। या कहाँ मैक्सिमा कहाँ मिनिमा आएगा उसके लिए इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। सो टू अल्फा क्यूब का डिफ्रेंशिएशन होगा सिक्स अल्फा स्क्वायर माइनस, टू अल्फा का डिफ्रेंशिएशन कितना आएगा टू। तो इससे आपको जो दो पॉइंट्स मिलेंगे, एक माइनस वन बाई रूट थ्री और दूसरा वन बाई रूट थ्री, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो आपका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस टाइप से जाएगा। तो जो मैक्सिमा आएगा वो कहाँ पर आएगा, वो आएगा आपका माइनस वन बाई रूट थ्री पे। तो जब अल्फा आपका माइनस वन बाई रूट थ्री होगा, ठीक है ना, तब ये क्या होगा, ये मैक्सिमम एरिया देगा आपको। और वहाँ पर देखते हैं कि हमारा जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है। अच्छा, आपको ये लग रहा होगा कि मैक्सिमम इसके बाद में भी तो आ सकता है, तो क्योंकि हमें बोला गया है कि ये जो रेक्टेंगल बनाना है हमें वो एक्स एक्सिस के नीचे बनाना है, तो क्योंकि ये पॉइंट वन है तो अल्फा की वैल्यू वन से ज़्यादा नहीं होगी, और उधर जो इससे बड़ी वैल्यू जो आएगी आपके सामने वो वन के बाद में आएगी। अभी इस इंटरवल में आपकी जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो माइनस वन बाई रूट थ्री पर ही आएगी। तो देखते हैं कितना आ रहा है एरिया। इसमें जब आप माइनस वन बाई रूट थ्री पुट करेंगे तो ये आएगा माइनस का टू बाई रूट थ्री इंटू अल्फा स्क्वायर की वैल्यू आएगी वन बाई थ्री माइनस वन। तो यहाँ से आपको फिर से मिलेगा माइनस टू बाई थ्री, सो माइनस टू इंटू टू देर विल बी फोर डिवाइड बाई थ्री रूट थ्री। तो ये आपका एरिया होगा जो कि मैक्सिमम होगा, और आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन, जो कि आपका सही आंसर है। क्लियर है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव में आपको बोला गया है कि y इक्वल टू वाई एक्स इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाइंग y ऑफ जीरो इक्वल टू वन, देन ए वैल्यू ऑफ y log e 13, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले वही हमें इसको सॉल्व करना है, उसके लिए तो वही वेरिएबल को सेपरेट किया तो हमें मिला dy वाई डिवाइड बाई वाई प्लस टू प्लस ई की पावर x इंटू डी एक्स डिवाइड बाई ई की पावर x प्लस फाइव विल बी इक्वल टू जीरो। इसको इंटीग्रेट किया तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए कितना आएगा। इसको माना तो ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log y प्लस टू, इसको अल्फा माना तो e की पावर x इंटू डी एक्स डी अल्फा बन जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e की पावर x प्लस फाइव। तो उधर मान लेते हैं कि ln c होगा, तो आपका जो आएगा y प्लस टू इंटू ई की पावर x प्लस फाइव विल बी इक्वल टू c, ये चीज आ जाएगी। अब आपको y ऑफ जीरो की वैल्यू वन दी है, मीन्स y की वैल्यू वन और x को जीरो पुट करना है, तो y को वन और x को जीरो इसमें पुट करेंगे तो देखिए कितना आएगा। y वन पुट करेंगे तो ये होगा थ्री, x को जीरो पुट किया तो ये बनेगा सिक्स विल बी इक्वल टू c। तो c की वैल्यू कितनी आ गई, 18। अब हमें वो वैल्यू निकालनी है जब x आपका log e 13 है, तो x की जगह पर देखिए जब log आप log e 13 पुट करेंगे तो आपको इधर से तो y प्लस टू है, ये तो एज इट इज रहेगा और ये बन जाएगा log e 13 जब पुट करोगे तो e log e कैंसिल आउट, 13 प्लस फाइव दैट इज 18, और इक्वल टू में भी आपके सामने c की वैल्यू कितनी है 18, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और आपको मिलेगा y प्लस टू विल बी इक्वल टू वन। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस वन, कब, जब x आपका कितना है log e 13। अगर x की वैल्यू log e 13 है तो y कितना होगा, माइनस वन। यहाँ पर काफ़ी सारे बच्चों को ये लग रहा होगा कि 18 कहाँ से आ गया, तो यहाँ पर देखिए x को जब पुट करोगे ना आप log e 13, ठीक है ना, तो ये पूरा पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा और सिर्फ 13 बचेगा और साथ में रहेगा प्लस फाइव, तो ये 13 प्लस फाइव मिलकर 18 आ रहा है और c हम पहले ऊपर निकाल चुका है दैट इज 18,
और इधर y प्लस टू आपका एज इट इज है, तो यहां से आपकी y की वैल्यू माइनस वन आएगी, जो कि आपका सही आंसर है। चलिए आगे बात करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर सिक्स। और क्वेश्चन नंबर सिक्स में देखिए आपसे क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर सिक्स के अंदर आपसे बोला गया है कि द एरिया ऑफ दिस रीजन, ठीक है ना, इससे जो बाउंडेड एरिया होगा, ठीक है ना, x माइनस वन इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज लेस देन और इक्वल टू y इज लेस देन और इक्वल टू टू रूट x, और x की वैल्यू है आपकी 0 से 2 के बीच में, तो ये एरिया कितना आएगा, इसके बारे में आपको यहाँ पर क्या करना है, डिस्कस करना है। सो चलिए बात करते हैं। देखिए x अगर 0 से 2 के बीच में है, तो सबसे पहले तो हम इसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर लेते हैं कि x अगर 0 से 1 हो और x अगर 1 से 2 हो। दो में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि साथ में यहाँ पर क्या यूज हो रहा है, हमारा ग्रेटेस्ट यूज हो रहा है। तो देखिए x अगर 0 से 1 में है तब तो ये 0 हो जाएगा, इधर से y और इधर से लेस देन और इक्वल टू 2, और साथ में x कहाँ से कहाँ है, x 0 से 1 के बीच में, तो एक कंडीशन तो आपके सामने ऐसी रहेगी। दूसरी कंडीशन, अगर x आपका 1 से बड़ा है, अच्छा यहाँ पर 2 के साथ में रूट एक्स भी है ना, हाँ, इसी के साथ में आपके सामने दूसरी जो कंडीशन है उसके अंदर क्या है, उसके अंदर आपको दे रखी एक लाइन x माइनस 1, क्योंकि इस बार ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो जाएगा 1 से 2 में, तो दूसरा वाला जो पार्ट है उसमें रहेगा आपका x माइनस 1 से ग्रेटर होना चाहिए y, और साथ में लेस देन होना चाहिए टू रूट एक्स, और ऐसा कब होगा, जब x हमारा कहाँ से कहाँ के बीच में है, 2 से लेकर के 1 के बीच में, क्लियर। तो देखिए इसका ग्राफ देखते हैं, टू रूट एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x टाइप का पैराबोला, ये वाला पैराबोला होगा पूरा का पूरा, तो y इसके इससे कम है, ठीक है ना, y स्क्वायर विल बी लेस देन और इक्वल टू 4x, मीन्स इसके अंदर वाला जो पार्ट है वो लेना है आपको। इसके साथ में जो पहला पार्ट, जब x 0 से 1 के बीच में है तो y या तो 0 से बड़ा है और या इससे कम है, इसका मतलब ये हो गया कि आपके सामने ये वाला जो पार्ट है आपके सामने, ठीक है, जब तक आप x इक्वल टू 1 तक जाएंगे तब तक आपको ये एरिया रहेगा, ठीक है ना, इससे बड़ा होना चाहिए y और टू रूट एक्स से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए 0 से 1 में। 1 से 2 के अंदर y x माइनस 1 से बड़ा होना चाहिए और उससे छोटा होना चाहिए, तो x माइनस 1 का जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा होगा, तो इससे बड़ा और टू रूट एक्स से छोटा, तो यहाँ पर आपके सामने ये वाला पार्ट रहेगा। तो एक्चुअली आपको ये जो एरिया है ना ये निकालना है, तो देखिए आप एक काम कीजिए, सिंपल 0 से 2 में पूरे फंक्शन को इंटीग्रेट कर दीजिए टू रूट एक्स को, और फिर 1 से 2 के अंदर जो दूसरा वाला जो एरिया है उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, और ये तो वैसे भी एक ट्राइंगल है जिसका एरिया आप बहुत इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है, जिसका बेस आपको पता है और हाइट, और चाहो तो आप उसको इंटीग्रेशन से भी कर सकते हो। तो इसका एरिया तो देखिए डायरेक्ट निकाल लेते हैं, अगर x को इसमें 2 पैराबोला में अगर आप x को 2 पुट करेंगे तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आएंगे आपके सामने 2, 2√2, तो इसकी जो हाइट हो जाएगी वो 2√2 है और बेस इसका 1 है, तो इस वाले जो पार्ट है इसका तो एरिया आएगा आपका 1/2 × 1 × 2√2, तो इसका एरिया तो आएगा √2। और इस पैराबोला का एरिया हम निकाल लेते हैं, देखते हैं कितना आएगा, तो इसको हमें इंटीग्रेट करना है बस 0 से लेके 2 तक, और साथ में कितना आ जाएगा 2√x × dx, और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे हमारा जो रूट टू एरिया, जो ये वाला पार्ट जो हमें नहीं चाहिए उसको यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। यहाँ से देखिए आपका आंसर ईजीली आ जाएगा, कितना आ रहा है 2√x का इंटीग्रेशन होगा x^(3/2)/3^2, और इसमें लिमिट पुट करनी है आपको 0 से 2 और साथ में -√2, तो देखिए कितना आ रहा है, 0 पुट करेंगे तो 0 आएगा, तो सिर्फ 2 पुट करना है, तो 2 जब यहाँ पुट करेंगे तो ऊपर आएगा आपके सामने 2^3, दैट इज √8, तो ये आएगा 2 ऊपर आ जाएगा, सो देयर विल बी 4√8/3 और साथ में है माइनस का √2, तो ये आपका आंसर है। इसी फॉर्मेट में आई थिंक आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है, तो एक बार सारे ऑप्शंस के अंदर अगर आप चेक करें पुट करके, ठीक है, तो देखिए देखिए आपको कितना पार्ट कहाँ पे आ रहा है। रूट एट को आप क्या लिख सकते हो, रूट एट को लिख सकते हो आप 2√2, तो ये हो जाएगा आपका 8√2 √2 / 3 और -√2, और ऐसा ऑप्शन आपको नहीं दिया गया है, तो एक बार जिस जो एरिया हमने सब्ट्रैक्ट किया था ना उसको एक बार चेक कर लें, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 1 हो गया था आपका, तो ये x माइनस 1 और x इक्वल टू 1
ये लाइन है, तो यहाँ पर जो आपको इंटरसेक्शन पॉइंट था x इक्वल टू टू पर, तो x इक्वल टू टू जब इसमें पुट करेंगे तो ये वन आएगा, ठीक है, और x इक्वल टू टू जब आप इस वाले पार्ट में पुट करेंगे, ठीक है, पैराबोला के अंदर जब पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ रही है टू रूट टू, और लाइन में जब पुट कर रहे हैं x इक्वल टू टू तो टू माइनस वन वन आ रहा है। तो एक्चुअली हमें ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, ये किस किस का इंटरसेक्शन पॉइंट है ये शायद हमने सही नहीं निकाला, ये x माइनस वन इक्वल टू टू रूट एक्स का इंटरसेक्शन पॉइंट है। स्क्वायरिंग करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू फोर एक्स, तो यहाँ से आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस वन, ये x माइनस वन का और टू रूट एक्स का इंटरसेक्शन पॉइंट है, ठीक है, और इसमें जब आप x की वैल्यू टू पुट कर रहे हैं तो y यहाँ पर आपका वन ही आ रहा है, ठीक है, x की वैल्यू जब टू पुट कर रहे हैं तो y आपका वन आ रहा है। सो टू रूट एक्स वाला जो पार्ट है आपके सामने, ठीक है, ये पूरा यहाँ तक आपका शायद ये सब्ट्रैक्ट नहीं होगा क्योंकि x माइनस वन में जब पुट कर रहे हैं तो वहाँ पर कितना आ रहा है, वन आ रहा है, तो इसका जो एरिया आएगा ना वो आपका कितना आएगा, वन बाई टू आएगा एक्चुअली रूट टू की जगह पे, तो ये माइनस वन बाई टू रहेगा, ठीक है, और माइनस वन बाई टू पे ऐसा ऑप्शन आपको दिया हुआ है एट रूट टू बाई थ्री माइनस वन बाई टू, और ऐसा कौन सा ऑप्शन है, एट रूट टू बाई थ्री माइनस वन बाई टू, ऐसा हमारा फोर्थ ऑप्शन है जो कि आपका सही आंसर, क्लियर है। सो चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन, और क्वेश्चन नंबर सेवन में देखिए क्या पूछा है आपसे, इफ वाई ऑफ एक्स इज लाई सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, इफ वाई ऑफ पाई पाई थ्री इक्वल टू जीरो देन वाई ऑफ पाई पाई फोर, मीन्स ये आपके सामने इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ठीक है, तो आपको बताना है कि वाई ऑफ पाई पाई फोर कितना होगा, वाई ऑफ पाई पाई थ्री आपको जीरो दिया गया है। सो चलिए बात करते हैं, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर जो टू साइन एक्स बाई कॉस एक्स है, ठीक है, सो इस कॉस एक्स से अगर डिवाइड कर दें तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमें ऐसी दिखाई देगी, डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू साइन एक्स बाई कॉस एक्स दैट इज टेन एक्स इंटू वाई विल बी इक्वल टू साइन टू एक्स हो जाएगा आपका टू साइन एक्स कॉस एक्स, तो कॉस एक्स कट जाएगा और टू साइन एक्स आ जाएगा। तो इसको अगर हम देखें तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होगा हमारा दैट विल बी इक्वल टू e टू दी पावर टू टाइम टेन एक्स इंटू डी एक्स। सो टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन बाई कॉस, तो इसका होता है सेग एक्स, तो ये होगा एल एन सेग एक्स और बाहर टू आएगा इसको वो ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ से इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा आपका सेग स्क्वायर एक्स, इससे मल्टीप्लाई किया तो आपको मिलेगा वाई इंटू सेग स्क्वायर एक्स विल बी इक्वल टू टू टाइम साइन एक्स इंटू सेग स्क्वायर एक्स, एक कॉस एक्स को नीचे ले आए तो ये बन जाएगा टू टेन एक्स इंटू सेग एक्स, ये कहाँ से आ गया, उसमें से एक सेग एक्स को लिखा वन बाई कॉस एक्स और इसके साथ मल्टीप्लाई किया साइन एक्स के साथ में यहाँ पर, तो वो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स बन गया टेन एक्स और एक सेग एक्स रह जाएगा और इसको आपको इंटीग्रेट कर देना है, तो यहाँ से आपको मिलेगा वाई टाइम्स सेग स्क्वायर एक्स विल बी इक्वल टू, ये किसका इंटीग्रेशन होता है, तो ये होता है टू सेग एक्स, इसका इंटीग्रेशन होगा टू सेग एक्स का डिफरेंशिएशन है प्लस सी। अब आपको दे रखा है वाई ऑफ पाई पाई थ्री जीरो है, मीन्स ये टर्म जीरो हो जाएगी, अगर पाई पाई थ्री पुट करेंगे तो ये आएगा फोर प्लस सी, सेग पाई पाई थ्री कितना होता है आपका टू होता है, तो यहाँ से सी की वैल्यू आ गई माइनस फोर, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी वाई विल बी इक्वल टू टू सेग एक्स माइनस फोर डिवाइड बाई सेग स्क्वायर एक्स। अब आपसे पूछा है कि वाई ऑफ पाई पाई फोर कितना होगा, मीन्स इसमें आपको पाई पाई फोर पुट करना है, तो पाई पाई फोर पुट करेंगे तो देखिए कितना आएगा, वाई विल बी इक्वल टू सेग पाई पाई फोर की वैल्यू होती है रूट टू, सो ये हो जाएगा टू रूट टू माइनस फोर और डिवाइड बाई इसकी वैल्यू रूट टू यहाँ पर पुट करेंगे तो ये आ जाएगा टू, तो यहाँ से आपको आपका आंसर मिल जाएगा रूट टू माइनस टू, जो कि आपका सही आंसर है, और ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऐसा आपका सेकंड ऑप्शन है जो कि आपका सही आंसर है, क्लियर है बच्चों। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर एट, क्वेश्चन नंबर एट में देखिए क्या पूछा है आपसे, क्वेश्चन नंबर एट में आपको बोला गया है कि इफ वाई ऑफ वाई एक्स इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड वाई ऑफ जीरो इज जीरो, तो
तो वाई ऑफ पाई पाई फोर क्या होगा? देखिए बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसे अभी किया था, बिल्कुल एकदम सेम, बस थोड़ा सा डेटा का आपके सामने मैनिपुलेशन है, तो आप इसी तरीके से इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। ये उससे भी इजी है, उसको तो फिर भी हमें मैनिपुलेट करना पड़ा था। इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आ जाएगा आपका लॉग सेग एक्स, तो जिसकी वैल्यू हो जाएगी सेग एक्स, तो ये बनेगा आपका वाई इंटू सेग एक्स विल बी इक्वल टू साइन एक्स बाई साइन एक्स इंटू सेग एक्स, सो साइन एक्स बाई कॉस एक्स, सो देयर विल बी टेन एक्स और इसका इंटीग्रेशन, टेन एक्स का इंटीग्रेशन वही लॉग सेग एक्स प्लस सी। जब एक्स जीरो है तो वाई भी जीरो है, तो जीरो पुट कर दीजिए, तो लॉग जीरो सेग जीरो वन होता है, लॉग वन जीरो, सो जीरो प्लस सी विल बी इक्वल टू, इधर वाई जीरो है ही आपका, सो जीरो विल बी इक्वल टू जीरो प्लस सी, तो सी की वैल्यू जीरो, तो यहाँ से वाई की वैल्यू आ जाएगी आपकी एल एन सेग एक्स डिवाइड बाई सेग एक्स। अब आपसे क्या पूछा गया है, आपसे बोला गया कि वाई ऑफ पाई पाई फोर कितना होगा, तो सेग पाई पाई फोर होता है आपका रूट टू, सो एल एन रूट टू डिवाइड बाई रूट टू, सेग एक्स की वैल्यू कितनी होगी रूट टू। अब आपसे ऐसा ऑप्शन कौन सा ये देखना है, तो देखिए रूट टू में तो कोई सा भी ऑप्शन नहीं है लॉग के अंदर, सब में टू है, तो यहाँ से पावर को बाहर निकालेंगे तो ये बनेगा एल एन टू डिवाइड बाई टू रूट टू, और ऐसा ऑप्शन आपको जरूर दिया है, और ऐसा कौन सा ऑप्शन है एल एन टू डिवाइड बाई टू रूट टू, ऐसा आपका सेकेंड ऑप्शन है जो कि आपका सही आंसर है। क्लियर है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन। क्वेश्चन नंबर नाइन में देखिए क्या पूछा है आपसे, क्वेश्चन नंबर नाइन में आपको बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर वाई ऑफ एक्स दैट सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला सही ऑप्शन कौन सा है उसके बारे में आपको यहां पर बताना है। तो चलिए देखते हैं फिर से, dy by dx plus xy plus x minus 1 minus y, तो फिर से देखिए इसको फैक्टराइज करते हैं पहले, तो हमें क्या दिखाई दे रहा है वहां से, dy by dx will be equal to x कॉमन ले लिया y plus 1, ठीक है ना, फर्स्ट और थर्ड टर्म में से, फिर माइनस साइन कॉमन लिया तो पीछे बचेगा y plus 1, तो इसके फैक्टर्स आएंगे x minus 1 into y plus 1, अलग अलग कर दिया इनको, तो अलग करेंगे तो यहां पर आएगा dy upon y plus 1 will be equal to x minus 1 into dx, और इसको क्या कर दिया इंटीग्रेट कर दिया, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा यहां से ln of y plus 1 will be equal to x minus 1 का whole square by 2 plus c, चाहो तो आप अलग अलग भी कर सकते हो, ठीक है ना, x minus 1 का whole square करके, या चाहो तो सीधा भी कर सकते हो, ठीक है ना, अगर इसमें किसी को कोई भी कंफ्यूजन रहता है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो इसकी जगह पे x का डिफरेंशिएशन x square by 2 एंड माइनस एक्स बाई टू और प्लस सी, इसमें फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, बस आपकी जो कांस्टेंट टर्म है उसकी वैल्यू पहले कुछ अलग आती है अब थोड़ी सी अलग आएगी, बट ऑल ओवर आंसर आपका सेम रहेगा दोनों केस में। चलिए सो आपको दिया अगेन वाई ऑफ जीरो की वैल्यू जीरो, तो जब जीरो पुट करेंगे इधर जीरो, इधर लॉग वन, ये जीरो, तो यहाँ से सी की वैल्यू आपकी जीरो आ जाएगी। आपसे पूछा क्या गया है कि वाई ऑफ जीरो अगर जीरो है तो कौन सा ऑप्शन सही है, और ऑप्शन में सब जगह y ऑफ 1 निकालना है आपको, तो y ऑफ 1 निकालने के लिए आपको क्या करना है, x को 1 पुट करना है, तो ये बनेगा ln ऑफ y प्लस 1, जो कि आपका इधर कितना हो जाएगा 1 पुट करने से 1 बाई टू माइनस 1 बाई टू, कितना आ गया, अगर आप यहाँ पर पुट करेंगे x स्क्वायर बाई टू, यहाँ पर सिर्फ x रहेगा, ठीक है ना, सो माइनस 1, सो दैट विल बी इक्वल टू माइनस 1 बाई टू, तो यहां से y प्लस 1 की वैल्यू कितनी आ गई, y प्लस 1 आ गया e की पावर माइनस 1 बाई टू, तो यहां से y की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू आएगी e की पावर माइनस 1 बाई टू, और ये 1 इधर चला जाएगा, सो दैट इज माइनस 1, और ऐसा हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऐसा हमारा फोर्थ ऑप्शन है जो कि हमारा सही आंसर है। क्लियर है, इसी तरीके से आपको हर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले वेरिएबल सेपरेशन का सोचे, या फिर आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चंस आपके इन्हीं दोनों से पूछे जाते हैं, या फिर एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन, वो भी आपका हो सकता है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बोला गया है कि इफ द कर्व वाई ऑफ वाई एक्स इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन,
टू टाइम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 5 बाई 4 इंटू डी वाई माइनस वाई टाइम एक्स प्लस एक्स की पावर 1 बाई 4 डी एक्स विल बी इक्वल टू 2 टाइम एक्स की पावर 9 बाई 4 डी एक्स देन विच पासेज थ्रू द पॉइंट दिस, ठीक है ना, अगर वो डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी इस पॉइंट से पास कर रही है देन द वैल्यू ऑफ वाई ऑफ 16, तो वाई ऑफ 16 की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले वही चीज़ देखिए, हमें इसको इंटीग्रेट करना है और इसको इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले हमें इसको इस टर्म को यहाँ से हटाना है और इसको हटा करके देखते हैं कि कितना आ रहा है। तो चलिए बात करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स को इधर ले लिया, सो दैट विल बी डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन, यहाँ पर ऊपर है मेरे पास में x प्लस एक्स की पावर 1 बाई 4 और नीचे है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 5 बाई 4, तो ऊपर से मेरे पास में कॉमन आ रहा है x की पावर 1 बाई 4 और नीचे से कॉमन आ रहा है x की पावर 5 बाई 4, तो ऊपर से कॉमन लिया x की पावर 1 बाई 4, तो पीछे बचेगा मेरे पास में x की पावर 3 बाई 4 प्लस 1, और ऐसे नीचे से मेरे पास में कॉमन जब लूंगा इस वाली टर्म को जब मैं नीचे लेके जाऊंगा तो एक वहां पर 2 नीचे जाएगा और यहां से कॉमन आएगा x की पावर 5 बाई 4, और 5 बाई 4 जब कॉमन लूंगा तो क्योंकि x स्क्वायर है यहां पर, तो यहां पर बचेगा मेरे पास में x की पावर 3 बाई 4 प्लस 1, और साथ में कितना रहेगा इसके साथ में y, और इक्वल टू में मेरे पास में कितना है यहां पर 2 टाइम x की पावर 9 बाई 4, सो 2 टाइम x की पावर 9 बाई 4 और डिवाइड बाई ये टर्म एज इट इज आ जाएगी 2 टाइम x की पावर 5 बाई 4 और साथ में है x की पावर 3 बाई 4 और कितना आ रहा है प्लस 1, ठीक है, ये चीज आ रही है। अब चलिए इसको इंटीग्रेट करते हैं, इसके लिए हम अगले पेज पे चलते हैं क्योंकि यहाँ थोड़ी सी जगह कम है, सो चलिए देखते हैं इसको इंटीग्रेट करने के लिए। देखिए ये फैक्टर तो हमारा कट गया, ठीक है, इसी के साथ यहाँ पर ये सिंप्लीफाई हो जाएगा थोड़ा, ठीक है, 5 बाई 4 ऊपर चला जाएगा तो ऊपर x आ जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा, बट उसके लिए पहले आपके सामने ये जो टर्म बन रही है ना इंटीग्रेटिंग फैक्टर का पार्ट है, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स माइनस, ये जब ऊपर आएगा या ये नीचे रहे तो ये कितना है आपके सामने माइनस 1 बाई एक्स इंटू वाई विल बी इक्वल टू, ये सिंप्लीफाई होगा तो ऊपर जा करके 9 माइनस 5 4 बनेगा, सो दैट इज x डिवाइड बाई x टू द पावर 3 बाई 4 और साथ में रहेगा प्लस 1, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। तो इसको मिटा देते हैं, बस वो सिंपल बन गई है, बस इसको एक बार देख लें अगर आपको इसमें कोई भी किसी भी टाइप का डाउट हो तो। चलिए अब देखिए इसको आप सब लोग बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना, सबसे पहले अगर इसमें देखें आप तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना बन रहा है, सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनेगा आपका अगेन e टू दी पावर माइनस 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ln x ऊपर जाएगा माइनस 1, तो ln x की पावर माइनस 1 जो सिंप्लीफाई होकर के आ जाएगा 1 बाई एक्स, तो फाइनली आपका आंसर आएगा कुछ इस तरीके से y x विल बी इक्वल टू, इसको 1 बाई एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बचेगा सिर्फ 1 अपॉन x टू दी पावर 3 बाई 4 प्लस 1 और साथ में आएगा यहाँ पर इंटू डी एक्स, और इसको आपको क्या कर देना है इंटीग्रेट कर देना है। इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, x टू दी पावर 3 बाई 4 प्लस 1, ठीक है, क्योंकि ये आपके सामने एक ऐसी टर्म बन गई, ठीक है ना, जिसको इंटीग्रेट करना है यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों के लिए, तो देखिए किस तरीके से इंटीग्रेट करेंगे। सो चलिए देखते हैं आगे, इसके अंदर देखिए हमारे जब हमने इसको डिवाइड किया था तो यहाँ पर साथ में एक 2 भी आया था, ठीक है, तो एक 2 रहेगा यहाँ पर, ठीक है, तो ऊपर माइनस 2 जाएगा और माइनस 2 को जब आप देखेंगे माइनस 1 बाई 2, सो माइनस 1 बाई 2 आपके सामने कितना हो जाएगा रूट एक्स आ जाएगा, क्लियर, 1 अपॉन रूट एक्स, तो एक्चुअली जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो आपका 1 अपॉन रूट एक्स है, तो उससे देखिए यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि क्या पार्ट आएगा आपका, ठीक है, माइनस 1 बाई 2, ठीक है ना, और एक्स के अंदर पावर में जाएगा आपका माइनस 1 अपॉन 2, ठीक है, तो वो आपका कितना बनेगा 1 बाई रूट एक्स, तो यहाँ पर आएगा आपके सामने y बाई रूट एक्स और इसको जब आप रूट एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर बनेगा आपके सामने रूट एक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए यहाँ पर हम इसको पुट करते हैं, तो सबसे पहले हम x को पुट करते हैं t की पावर 4, तो यहाँ से dx की वैल्यू कितनी आएगी,
dx की वैल्यू आ जाएगी 4t³ dt। तो देखते हैं कितना आएगा। x को t की पावर 4 पुट किया तो ऊपर आया हमारे सामने यहां पर टी स्क्वायर, dx की जगह वैल्यू पुट की 4t³ dt, और साथ में इसको क्योंकि मैंने t की पावर 4 पुट किया था तो ये बन जाएगा आपका t³ + 1, और ये कितना बन जाएगा dt। और इधर आपके सामने इसको क्योंकि ये इंटीग्रेट हो चुका है तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, y बाई रूट एक्स। फिर से देखिए t³ + 1 को अल्फा लीजिए, t³ + 1 को अल्फा, तो यहां से हमें फिर से क्या मिलेगा, यहां से आपको मिलेगा 3 t² dt की वैल्यू डी अल्फा। तो फिर से देखिए 4 t² dt की वैल्यू डी अल्फा बाई 3, सो ये हो जाएगा 4/3, और ऊपर आ जाएगा आपके सामने t³ की जगह पे अल्फा -1 इंटू डी अल्फा, और नीचे t³ + 1 की वैल्यू कितनी आ गई अल्फा। तो यहां से देखिए ये आपका इंटीग्रेट हो जाएगा 4/3, अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा, सो 1 का इंटीग्रेशन अल्फा माइनस यहां पर कितना है 1 अपॉन अल्फा, सो देयर विल बी ln अल्फा, और साथ में आएगा प्लस सी। तो अल्फा की वैल्यू और इसकी अगर हम पुट करें वापस, तो अल्फा है t³ + 1 और t की वैल्यू है आपके सामने x की पावर 1/4, तो 1/1 पुट करते हैं, देखते हैं कितना आएगा। तो y बाई रूट एक्स कितना आ जाएगा आपके सामने, y बाई रूट एक्स विल बी इक्वल टू अल्फा की जगह पर वैल्यू पुट की t³ + 1, और साथ में आपके सामने आएगा माइनस ln अल्फा, ln इंटू अल्फा की जगह पर t³ + 1 और प्लस सी। सो y इक्वल टू कितना आ जाएगा रूट एक्स इंटू टी, किसको माना था x की पावर 1/4, तो ये बनेगा x की पावर 3/4 + 1 माइनस ln x की पावर 3/4 + 1 एंड प्लस सी। ये आपके सामने y की वैल्यू आएगी। अब आपकी ये जो y की वैल्यू आई है इससे आपको पहले c निकालना है, और c निकाल के फिर आपका आंसर निकलेगा। सो चलिए बात करते हैं कि कितना होगा। तो उसके लिए हम पिछले पेज पे चलते हैं, और पिछले पेज पे देखिए जहां पर हमारा क्वेश्चन था, ठीक है, यहां पर आपको एक चीज दी गई होगी, और वो क्या है, वो है आपके सामने कि 0.1 के ऊपर इसकी वैल्यू कितनी है, 1 - 4/3 log 2। तो इसके बारे में देखते हैं, एक्स को देखिए, जब आप 1 - x को 1 पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू ये आएगी, तो वाई की जगह पर कितना आ रहा है 1 - ln e 1 - 4/3 ln e, और साथ में कितना आ रहा है यहां पर 2। ये y की वैल्यू है कब, जब x को हम 1 पुट कर रहे हैं तो ये तो 1 हो जाएगा, तो यहां पर ये वैल्यू आएगी 1 + 1 दैट इज 2 माइनस ln, इसकी वैल्यू कितनी आएगी x^3/4, और साथ में कितना आएगा +1 और प्लस सी। और एक चीज और थी देखिए, यहां पर एक साथ में 4/3 भी चल रहा था हमारा, ठीक है, तो 4/3 इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन में रहेगा, या ये कहें कि इस पूरे के बाहर आपके सामने एक 4/3 भी होगा, ठीक है। तो देखिए ये टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएगी, इससे पूरी की पूरी कैंसिल आउट हो गई, और यहां पर आपके सामने कितना आएगा 8/3, और इधर आएगा 1, तो यहां से सी की वैल्यू कितनी आ गई, सी की वैल्यू आ गई 1 - 8/3, जो कि कितनी होगी -5/3। ये सी आ गया, ये सी इसमें पुट कर दें, और साथ में आपको क्या निकालना है y ऑफ 16, मीन्स x की जगह पर 16 पुट करके और आप इसको सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर करते हैं हम लोग कि x की जगह पर अगर हम इसमें 16 पुट कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, तो इधर कर लेते हैं, देखिए x की जगह पर 16 पुट करेंगे तो यहाँ से तो y ही रहेगा, y विल बी इक्वल टू बाहर 4/3 है वो एज इट इज, यहाँ पर सबसे पहले हमने रूट एक्स था तो इसमें 16 पुट करेंगे तो रूट 16 कितना हो जाएगा आपका 4, तो बाहर एक 4 और आ जाएगा, क्लियर है। इसके बाद में आगे बात करते हैं, तो अच्छा इस सी को हम इस 4/3 के बाहर रखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमने यहां पर यूज नहीं किया उसका, 4/3 सिर्फ इन्हीं दोनों के मल्टीप्लीकेशन में यूज किया है। चलिए एक्स की पावर 3/4 + 1, एक्स की जगह 16 पुट करेंगे तो 2 - 8 + 1 ये हो जाएगा आपका 9, ठीक है, फिर माइनस ये बनेगा ln 9, और प्लस सी, सी की वैल्यू कितनी थी, वो थी आपकी -5/3। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, यही आपका आंसर है, ठीक है। सो 9 - 5/3 कितना होगा, और साथ में ये आपका log 3 9 के फॉर्मेट में है ही, सो यहाँ पर आएगा आपके सामने 16/3,
और वहां से आपके सामने एक टू बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक इसको जब आप कंप्लीटली सिंप्लीफाई करेंगे, 29 × 3 = 27, 27 - 5, ठीक है। तो कंप्लीट सिंप्लीफिकेशन करने के बाद में जो आपका पहला ऑप्शन आएगा, ठीक है ना, वो आपका क्या होगा, यहाँ पर सही आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। और क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए हमसे क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा गया है कि cos x into 3 sin x plus cos x plus 3 into dy will be equal to 1 plus y sin x into 3 sin x plus cos x plus 3 into dx। इसको इंटीग्रेट करना है और आपको बताना है कि y of pi pi 3 की वैल्यू क्या होगी। अगेन देखिए थोड़ा सा आपको बस कैलकुलेशंस का ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चंस जो बड़े होते हैं उनको थोड़ा सा ध्यान से करना होता है। तो सबसे पहले देखिए, अगर हम जैसा क्वेश्चन है उसी के करस्पॉन्डिंग वापस अगर देखें, यहाँ पर dy, यहाँ पर y की टर्म, और साथ में यहाँ पर 1 यूज हो रहा है, ठीक है। तो इन दोनों को अलग करते हैं और देखते हैं कि कितना आ रहा है। सो dy by dx, dy by dx, ठीक है ना, dx को इधर ले आए, ठीक है, साथ में y वाली टर्म को इधर लाए, तो ये बनेगा माइनस का y sin x, sin x को s से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो s into 3s plus c plus 3, और डिवाइड बाय यहां से आ जाएगा 3s plus c plus 3, ठीक है, 3s plus c plus 3, ये दोनों में आ गया, सेम आ गया। और उधर आपके सामने कितना रहेगा, क्योंकि 1 plus y sin x के साथ में ही आपके सामने वो टर्म मल्टीप्लाइड है, तो सिर्फ 1 बचेगा, 1 into dx आपका कितना हो जाएगा, there will be dx, और डिवाइड के अंदर आ जाएगा 3 sin x plus cos x plus 3। इसको आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो देखिए यहां पर तो ये टर्म कट जाएगी और इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन जाएगा आपका माइनस sin x, और माइनस sin x को जब इंटीग्रेट करोगे तो ये बनेगा y, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना होगा, e टू द पावर माइनस sin x into dx, और माइनस sin x का इंटीग्रेशन कितना होता है, cos x, ठीक है। तो e की पावर cos x will be equal to, उधर भी आपके सामने ऐसा ही रहेगा, ठीक है ना, e टू द पावर cos x, और डिवाइड में आ जाएगा आपके सामने कितना, 3 sin x plus cos x plus 3 into dx, ठीक है ना। इस पूरे को आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। क्लियर है? e की पावर cos x आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ रहा है, ठीक है, क्योंकि इधर आपके सामने एक cos x था, अच्छा यहाँ पर एक cos x भी था ना, तो इससे जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपके साथ में डिवाइड में cos x भी आएगा, ठीक है। और इधर जब आप डिवाइड करेंगे, ठीक है, क्योंकि cos x इंटू इससे डिवाइड किया आपने, तो यहाँ पर भी वो cos x रहेगा, तो cos x plus 3 sin x plus cos x plus 3 पूरा रहेगा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा आपका माइनस sin x by cos x। तो इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो अगेन देखिए आपके सामने कितना आएगा, माइनस 10 x है, तो ये बनेगा ln ऑफ sec x होता है, लेकिन वो प्लस 10 x का होता है, तो ये बन जाएगा आपका e टू दी पावर ln cos x बन जाएगा, ठीक है, जो कैंसिल आउट होकर के आपके सामने सिर्फ cos x के इक्वलेंट आएगा, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका जो आ रहा है वो सिर्फ cos x आ रहा है, ठीक है, और उसी के करस्पॉन्डिंग अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ से देखिए आपके सामने अलग चीज आएगी, और वो क्या आ रही है, वो आ रही है आपके सामने y into cos x will be equal to, इधर आएगा आपके सामने कितना, that will be, कितना बचा था, cos x से cos x कट जाएगा, dx upon 3 sin x plus cos x plus 3, और इसको आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। अब देखिए ये कैसे इंटीग्रेशन होता है, आप सबको पता होगा, जब साइन और कोस के अंदर सिर्फ लीनियर फैक्टर हो आपका कहीं पर भी डिनोमिनेटर के अंदर, तो इसको हम 10 वाले फॉर्मूलों में कन्वर्ट करके इसको इंटीग्रेट करते हैं। साइन एक्स को लिखेंगे 2 tan x by 2 upon 1 plus tan square x by 2, और ऐसे कोस एक्स को कन्वर्ट करेंगे, पूरा पार्ट 10 में कन्वर्ट होने के बाद भी इंटीग्रेट हो जाएगा। इंटीग्रेशन के बाद में हम कॉन्स्टेंट की वैल्यू वैसे ही निकालेंगे जैसे पिछले क्वेश्चनों में निकालते आ रहे हैं, वाई ऑफ जीरो की वैल्यू जीरो पुट करेंगे, x और y दोनों को जीरो, तो c आ जाएगा, और c आने के बाद में जब आप y और पाई पाई 3 की वैल्यू निकालेंगे फाइनली, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा रहेगा, ठीक है, और आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो पहला ऑप्शन आएगा, और इसको इंटीग्रेशन आप लोगों को करना है, ठीक है, क्योंकि एक सिंपल इंटीग्रेशन होता है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा लॉन्ग चलता है, ठीक है, तो यहाँ पर इतनी जगह नहीं है कि हम लोग कर पाए, तो आप लोग इसको कंप्लीटली सॉल्व कर लीजिएगा। सो चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर
12, और क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन देखते हैं कि किस तरीके से होगा। यहाँ पर देखिए y के अंदर स्क्वायर है यहाँ पर, तो जो भी आपका कर्व बनेगा इसका x एक्सिस के अबाउट कैसा होगा, सिमेट्रिक होगा, और इसका जो कर्व बनेगा वो इस टाइप का बनेगा। तो इसके जो डोमेन की जब बात करेंगे तो 2 से 4 के बीच में होगी, तो ऐसा पार्ट आपका रहेगा। तो इसको आपको इंटीग्रेट करना है कहाँ से कहाँ तक, तो हम इस पार्ट का एरिया निकालते हैं और इसको डबल कर देते हैं और देखते हैं कि कितना आएगा। तो सबसे पहले एरिया जो भी आएगा आपका वो डबल हो जाएगा, ठीक है, 2 से 4। और ये कौन सा पार्ट है, यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो आपको मिलेगा x डिवाइड बाई 2, और साथ में आएगा रूट के अंदर 4 माइनस एक्स इंटू, साथ में कितना रहेगा, x माइनस 2 इंटू dx। अब इसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है, तो ये आप सबको पता होना चाहिए कि रूट के अंदर जब क्वाड्रेटिक के अंदर अगर एक x को पॉजिटिव और एक x अगर नेगेटिव हो तो इसके अंदर एक सब्स्टिट्यूशन होता है, और उस सब्स्टिट्यूशन से इक्वेशन आपकी सॉल्व होगी। और वो क्या होता है, x विल बी इक्वल टू एक कॉन्स्टेंट को साइन के साथ और एक को कॉस के साथ में लेना है। तो मान लेते हैं कि x के अंदर हम साइन को लेते हैं, सो x इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, इस टाइप से आपको ये चीज लेनी होती है। तो यहाँ से dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, dx की वैल्यू आ जाएगी 8 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 4 कॉस थीटा साइन थीटा। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके सामने 4 कॉस थीटा साइन थीटा, c का मतलब कॉस थीटा है और s का मतलब साइन थीटा है। साथ ही देखिए अगर x टेंडिंग टू 2 अगर होगा तो यहाँ पर 2 आएगा, सो 2 कॉस स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो वो बन जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा आपका 0 आएगा, ठीक है, और साइन स्क्वायर थीटा 0 है मीन्स थीटा की लिमिट किधर अप्रोच करेगी, 0 की तरफ। ऐसे जब x 4 की तरफ टेंड करेगा तो कॉस की ये हम इस वाली टर्म को इधर लाएंगे तो कॉस स्क्वायर की टर्म बनेगी, और कॉस स्क्वायर थीटा 0 होगा, और कॉस थीटा 0 तब होता है जब थीटा किधर टेंड करता है आपका, पाई पाई 2 की तरफ। तो ये सारा सब्स्टिट्यूशन हम इसमें कर देते हैं और हमारा एरिया यहाँ से इजीली आ जाएगा। तो चलिए बात करते हैं ए की वैल्यू कितनी आएगी, ए विल बी इक्वल टू जब एक्स 2 है तो ये 0, और जब 4 है तो ये पाई पाई 2। एक्स की जगह पर 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, साथ में इसके अंदर जब पुट करेंगे तो देखिए ध्यान से x की जगह पर 4 साइन स्क्वायर थीटा पुट किया, सो 4 माइनस 4 कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा और साथ में माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे ही दूसरे वाले फैक्टर में पुट करेंगे x माइनस 2 के अंदर, x माइनस 2 में पुट करेंगे तो 4 साइन स्क्वायर प्लस 2 कॉस स्क्वायर, तो इस बार कॉस स्क्वायर वाली टर्म रहेगी तो वहां पर आएगा 4 साइन स्क्वायर और वो बनेगा आपका माइनस का 2 साइन स्क्वायर। और साथ में dx की वैल्यू हमने निकाली थी, दैट इज 4 cos थीटा sin थीटा, सो 4 को बाहर लिख दिया इंटू cos थीटा इंटू sin थीटा इंटू d थीटा। तो ये पूरा का पूरा आपका फॉर्मेट है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 cos स्क्वायर थीटा, यहाँ से 2 sin स्क्वायर थीटा, तो अगेन 4 cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा, 4 में से 2 बाहर आ जाएगा, एक 2 यहाँ से भी बाहर आ जाएगा, सो 4 इंटू 4 16, 0 से पाई पाई 2, 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, यहाँ से cos थीटा sin थीटा, उधर से भी cos थीटा sin थीटा, तो ये बनेगा cos स्क्वायर थीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा। और 0 से पाई पाई 2, इसके अंदर आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है तो वो फॉर्मूला लगा दीजिए, तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 16, 0 से पाई पाई 2, एक टर्म तो बनेगी आपके सामने 2 इंटू sin की पावर 4 इंटू cos स्क्वायर, और दूसरी टर्म बनेगी आपके सामने cos की पावर 4 इंटू sin स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा। तो जैसे ही आप वो फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, आपको आपका आंसर मिलेगा यहाँ से, और आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, वो 3 पाई पाई 2। फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, तो साइन और कॉस के अंदर वॉलिज फॉर्मूला बोलते हैं हम लोग, अगर पावर्स होती है तो एक फॉर्मूला लगता है आपके सामने, ठीक है ना, इनकी पावर की हेल्प से ऊपर चलता है आपके सामने 3 माइनस 1 इंटू, तब तक चलता रहता है, मीन्स एक पावर कम करके और वो चलता रहता है, और नीचे दोनों को ऐड करके और उसमें से 2 का सब्ट्रैक्शन चलता रहता है, ठीक है, जब तक वो 1 ना हो जाए, ठीक है ना, जैसे ही मतलब आपको लास्ट नेचुरल नंबर तक रहना है, बस नेगेटिव में नहीं जाना है, और साथ में अगर आपके दोनों का सम अगर इवन होता है तो एक पाई पाई 2 का मल्टीप्लीकेशन होता है, तो वो सारा काम आप लोगों को करना है, जैसे ही करेंगे आपको आंसर मिलेगा 3 पाई पाई 2। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर आपको बोला गया है
कि लेट y इक्वल टू वाई एक्स बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो आपको बताना है कि वैल्यू ऑफ dy वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू वन, तो x इक्वल टू वन पर dy वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि हम x की वैल्यू इसमें वन पुट कर देते हैं तो सीधा ही आ जाएगा dy वाई बाई डी एक्स, तो सीधा नहीं आ पाएगा। क्यों नहीं आ पाएगा? क्योंकि आपके यहाँ पर y भी यूज हो रहा है और आपको y की वैल्यू नहीं पता कि x इक्वल टू वन पे कितनी है, तो आपको इसको इंटीग्रेट तो करना ही पड़ेगा। और जैसे आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपका इंटीग्रेशन ही आपको पता चलेगा। तो इसको इंटीग्रेट कैसे करें, तो y प्लस वन के होल स्क्वायर से इसको डिवाइड करें तो ये बनेगा, देखिए dy वाई बाई डी एक्स और बाहर आ जाएगा वन अपॉन वाई प्लस वन का होल स्क्वायर, साथ में माइनस साइन से भी डिवाइड कर दें तो आपके सामने पूरा पार्ट एक तरीके से आ जाएगा जिसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस टर्म को इधर ले आए x इंटू वाई प्लस वन को, तो इधर आके प्लस हो जाएगा, लेकिन क्योंकि हमने माइनस से डिवाइड किया है तो ये बन जाएगा y प्लस वन और इंटू आपके सामने कितना रहेगा यहाँ पर x, और साथ में ही आपके सामने लास्ट वाला जो फैक्टर है ठीक है उसमें y प्लस वन पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, और पूरा का पूरा कैंसिल आउट होने के बाद में आपके सामने कितना बचेगा, आपके सामने बचेगा सिर्फ e की पावर x स्क्वायर डिवाइड बाई टू। तो इस टाइप से आपके सामने एक टर्मिनोलॉजी आ जाएगी। अब देखिए क्योंकि हम उसको भी इधर ले आए थे ठीक है, तो ये दोनों के दोनों टर्म नेगेटिव में और y प्लस वन के होल स्क्वायर से डिवाइड किया था, या चाहो तो आप इसको पॉजिटिव भी रख सकते हो ठीक है, ताकि आपको वो भी कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे कि माइनस से क्यों किया, तो इसको इधर लाके y प्लस वन के होल स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। अब हम क्या करते हैं, अब वन अपॉन वाई प्लस वन को t मान लेते हैं या माइनस t मान लेते हैं, तो वन अपॉन वाई प्लस वन का होल स्क्वायर, एक माइनस साइन आएगा यहां पर, इंटू डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू, एक माइनस साइन इधर आएगा एक माइनस साइन उधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा डी टी बाई डी एक्स ठीक है, क्योंकि उसको हमने माइनस टी लिया था तो ये क्या बन जाएगा डी टी बाई डी एक्स। तो देखिए कितना आएगा, वन अपॉन वाई प्लस वन को अगर माइनस टी लिया तो ये बन जाएगा आपका माइनस का एक्स टी ठीक है, इसमें एक माइनस साइन आएगा, एक साइन माइनस साइन उधर आएगा तो कट जाएगा, तो ये सीधा आपका बनेगा dt by dx और इक्वल टू के अंदर आपके सामने जो टर्म है वो एज इट इज रहेगी e टू दी पावर x स्क्वायर बाई टू, और इसको आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। अब देखिए आपको ये इजीली इंटीग्रेशन इसका दिख रहा होगा ठीक है, कि क्योंकि यहाँ पर t है यहाँ पर भी t है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो e की पावर माइनस एक्स होगा, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर आपको मिल गया तो आप इसको बहुत ही इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं, देयर विल बी इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो टी इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, उधर बन जाएगा ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू कितना बन जाएगा वन इंटू डी एक्स, इसको इंटीग्रेट कर दिया तो ये बन गया एक्स प्लस सी। अब देखो टी की वैल्यू हमने किसको लिया था, टी लिया था हमने किसको माना था, वन माइनस वन अपॉन वाई प्लस वन, तो उसकी वैल्यू भी पुट कर देते हैं, e टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू डिवाइड बाई माइनस वाई प्लस वन विल बी इक्वल टू एक्स प्लस सी, ये हमारा फंक्शन आ गया। अब हमें y ऑफ टू की वैल्यू यहाँ पर क्या दी गई है, जीरो दी गई है, और y ऑफ टू की वैल्यू जीरो है मीन्स आपको x को टू और y को जीरो पुट करना है, तो देखिए c कितना आ रहा है, x को अगर टू पुट करते हैं तो यहाँ पर बनेगा माइनस का फोर अपॉन टू, तो दैट इज माइनस टू, तो यहां से बनेगा आपके सामने e की पावर माइनस टू। नीचे हमने y को जीरो पुट करना है तो y को जीरो पुट करेंगे तो जीरो प्लस वन वन हो जाएगा, सो यहां से माइनस वन विल बी इक्वल टू x को हमने कितना पुट करना है टू, सो ये टू बनेगा और प्लस c, तो यहां से c की वैल्यू कितनी आएगी, c की वैल्यू आ जाएगी आपके सामने टू उधर चला जाएगा सो माइनस टू, और e स्क्वायर नीचे आ जाएगा सो माइनस वन अपॉन e स्क्वायर, तो ये आपकी c की वैल्यू है, c आ चुका है। तो आपको dy by dx चाहिए एट x इक्वल टू वन ठीक है, तो मेनली तो आपको क्या चाहिए था, y चाहिए था एक x एट x इक्वल टू वन, तो x इक्वल टू वन पर y की वैल्यू निकाल लेते हैं कि कितनी होगी, सो x इक्वल टू वन के ऊपर अगर हम y की बात करें तो क्योंकि y प्लस वन नीचे है तो इसी के अंदर आपको फिर से पुट करना पड़ेगा, तो एक बार देखिए फिर से देखते हैं x की जगह पर इस बार हमें कितना पुट करना है, वन पुट करना है, तो x को वन पुट किया तो ये बना e टू दी पावर माइनस वन बाई टू, यहाँ पर कर लेते हैं ठीक है ना, देखना थोड़ा सा e टू दी पावर माइनस वन अपॉन टू, एक्स को y तो आपको निकालना है
उधर x को आपने 1 पुट किया और c की वैल्यू ये है आपके सामने, तो x को 1 पुट करेंगे तो उधर आएगा आपके सामने नीचे y प्लस 1 को ले लेते हैं एज इट इज, y प्लस 1 इसके बाहर माइनस साइन विल बी इक्वल टू x को 1 और c की जगह पर पुट किया माइनस 2 और माइनस 1 अपॉन ई स्क्वायर। तो देखिए कितना आएगा, इस माइनस साइन को उधर ले जाते ताकि सारी चीजें पॉजिटिव हो जाए, तो ये बनेगा 1 प्लस 1 अपॉन ई स्क्वायर और इधर है आपके सामने 1 अपॉन रूट ई और साथ में y प्लस 1, तो इक्वल टू में है आपके सामने 1 अपॉन y प्लस 1 इंटू साथ में कितना है आपके सामने रूट ई। चलिए बात करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमें तो dy by dx चाहिए, इस चीज का भी ध्यान रखना, हमने dy by dx से सिर्फ y निकालना है यहां से, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है यहां से, y की अगर हम बात करें तो इस रूट ई को हमें इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये बनेगा रूट ई प्लस यहां पर बनेगा 1 अपॉन ई टू दी पावर 3 बाई 2 और उधर है आपके सामने कितना 1 अपॉन y प्लस 1। तो फाइनली आपको y की वैल्यू क्या आएगी, रेसिप्रोकल ऑफ दिस माइनस 1, तो y की वैल्यू आ गई हमारे 1 अपॉन रूट ई प्लस ई टू दी पावर 3 बाई 2 और साथ में माइनस 1, तो ये y है और ये y प्लस 1 है इसका रेसिप्रोकल, क्लियर। और वैसे हमें y प्लस 1 ही चाहिए, तो y प्लस 1 की जगह पर ये वैल्यू एज इट इज आपको पुट करनी है, x की जगह पे कितना पुट करना है 1 पुट करना है। तो अब देखते हैं कि हमारा आंसर कितना आएगा फाइनली, तो इसके अंदर y प्लस 1 की वैल्यू पुट की, इसका रेसिप्रोकल, ठीक है, और इसका रेसिप्रोकल कितना आएगा, अगर इसमें एलसीएम भी ले लूं मैं तो ये बनेगा ई स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ से देखिए y प्लस 1 की जो वैल्यू आएगी इसका रेसिप्रोकल करने के बाद में ई टू दी पावर 3 बाई 2 डिवाइड बाई ई स्क्वायर प्लस 1, और ये वैल्यूज आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो पुट करने के बाद फाइनली आपका आंसर आ जाएगा, देखिए कितना आ रहा है y प्लस 1 dy बाई dx पूछा है, x की जगह पे तो 1 पुट करना है, तो ये तो रूट ई माइनस 1 बनेगा, तो y प्लस 1 देयर विल बी ई स्क्वायर प्लस 1 अभी अभी निकाला हमने यहाँ पर, ठीक है ना, e टू दी पावर 3 बाई 2 डिवाइड बाई ई स्क्वायर प्लस 1, तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ऊपर तो बन जाएगा ई क्यूब और नीचे बन जाएगा हमारे सामने कितना ई स्क्वायर प्लस 1 का, ई स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, साथ में e टू दी पावर x स्क्वायर बाई 2, तो x की जगह पर 1 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा आपका e टू दी पावर 1 बाई 2, ठीक है, लेकिन उसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो e टू दी पावर 1 बाई 2 इंटू e टू दी पावर 1, ये बन गया आपके सामने e, और साथ में आएगा आपके सामने माइनस का x, लेकिन उसके साथ में y प्लस 1 भी है, तो वहां से आएगा आपके सामने e टू दी पावर 3 बाई 2 और साथ में आएगा डिवाइड के अंदर e स्क्वायर प्लस 1। तो देखिए यहाँ से आपको ऑप्शंस दिखाई दे रहे होंगे कि ई स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर आएगा आपके सामने, यहाँ पर भी है इसमें नहीं है, सेकंड में भी है, फोर्थ में भी है, और साथ में आपके सामने ऊपर तो आ रहा है e की पावर 4 और नीचे आपके सामने इधर ई स्क्वायर प्लस 1 है, तो ये ई स्क्वायर के साथ में मल्टीप्लाई होके जो फाइनली जो पूरा सिंप्लीफाई करोगे तो ये आंसर मिलेगा आपको, जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर अगेन आपको एरिया से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, ठीक है, आपको इससे बाउंडेड एरिया निकालना है, दैट मीन्स आपको सबसे पहले इस कर्व का डायग्राम बनाना है, और इस कर्व का डायग्राम कैसा होगा उसके बारे में देखते हैं। तो फिर से देखिए y इक्वल टू 5x स्क्वायर और y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 9, ये अगेन दो पैराबोलाज है, ठीक है, एक तो y इक्वल टू 5x स्क्वायर, यही है आपका पैराबोला, और दूसरा जो है आपके सामने वो क्या है, देखिए दूसरा है y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 9, जब x की वैल्यू 0 होगी, ठीक है ना, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी 9 आएगी, दैट मीन्स वो आपके सामने कुछ इस टाइप का होगा, ठीक है ना, ऊपर की तरफ यहाँ से ऐसे, तो आपको इन दोनों से बाउंडेड एरिया पूछा है, दैट मीन्स इस तरीके से ये कहीं पर इंटरसेक्ट करेंगे और इससे पहले वाले से ज़्यादा होना चाहिए, दूसरे वाले से कम, मीन्स ऐसा कोई पार्ट बनेगा जिसका एरिया होगा, तो देखते हैं कि ये कौन से पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सो 5x स्क्वायर की वैल्यू 2x स्क्वायर प्लस 9 के इक्वल होगी क्या, तो बिल्कुल होगी, देखिए 3x स्क्वायर जब 9 होगा, x स्क्वायर जब आपका 3 होगा, x इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3, एक्चुअली आपको क्या करना है, माइनस रूट 3 से प्लस रूट 3 के बीच में इंटीग्रेट करना है, किसको, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, अपर कर्व है आपका 2x स्क्वायर प्लस 9 और लोअर कर्व है आपका माइनस 5x स्क्वायर, ये एक इवन फंक्शन है, तो इसको डबल कर दीजिए और जीरो से रूट 3 में इंटीग्रेट कर दीजिए, सो 2 टाइम जीरो से रूट 3 कितना आएगा, 9 माइनस 3x स्क्वायर,
इसको आप आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं, देयर विल बी 9x माइनस 3x क्यूब बाई 3, सो x क्यूब और लिमिट पुट कर दीजिए 0 से रूट 3, देखिए कितना आ रहा है। जब रूट 3 पुट करेंगे तो आपको मिलेगा 2 टाइम 9 इंटू रूट 3, 0 पुट करेंगे तो 0 ही आएगा, और जब आप यहाँ पर रूट 3 पुट करेंगे तो ये होगा माइनस का 3 रूट 3, और 0 पुट करने से 0 आ जाएगा। देखिए कितना आ रहा है, 9 माइनस 3 देयर विल बी 6, 6 इंटू 2 सो 12 रूट 3 यूनिट स्क्वायर, ये आपका क्या होगा, एरिया होगा, जो कि आपका सेकेंड ऑप्शन है जो कि सही होगा। ठीक है, अच्छा हमें कैसे पता चलेगा कि ये इंटरसेक्ट करेगा ही, तो जब हम इसको सॉल्व करने से अगर हमें कोई दो पॉइंट आ रहे हैं और सिमेट्रिक पोजिशंस पे आ रहे हैं, दैट मीन्स वो एक इधर और एक इधर ही आपको इस तरीके से इंटरसेक्ट किए जाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए आपको क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 15 आपका रिलेटेड है किससे, पॉपुलेशन से। सो चलिए बात करते हैं पॉपुलेशन कैसे कैलकुलेट की जाती है। द पॉपुलेशन पी ऑफ पी टी एट ए टाइम टी ऑफ ए सर्टेन स्पीसीज फॉलोज बाय द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, ठीक है ना, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉलो कर रही है पॉपुलेशन, इसका मतलब हमें इसको इंटीग्रेट करना है, सिंपल सी बात यह है। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं आगे। p इक्वल टू 0 पर 850 है, तो हमें वो पॉपुलेशन वो टाइम निकालना है जब पॉपुलेशन 0 हो जाए। तो देखिए dp by dt अगर मैं उसको नीचे ले आऊं तो ये हो जाएगा p by 2 माइनस 450 विल बी इक्वल टू dt। थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करें तो 2 टाइम p माइनस 900 इंटू dp विल बी इक्वल टू dt, यही पार्ट है। अब देखिए इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, और कैसे इंटीग्रेट करेंगे, देखिए t इक्वल टू 0 पर पॉपुलेशन कितनी है आपकी 850, ठीक है, और आपको वो टाइम निकालना है जब आपकी पॉपुलेशन क्या हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है ना, बिकम 0, विच पॉपुलेशन बिकम 0, आपको वो टाइम t निकालना है जब पॉपुलेशन 0 हो जाए। आराम से कर सकते हो, इसको इंटीग्रेट किया तो ये बनेगा 2 टाइम ln p माइनस 900 विल बी इक्वल टू, इसमें लिमिट पुट करनी है हमें 850 से 0 तक, विल बी इक्वल टू t, इसमें लिमिट पुट करनी है 0 से t, तो उधर तो आ जाएगा t माइनस 0 दैट इज t, और इधर से आपका आंसर आएगा। देखिए इसमें मॉड भी होता है, ठीक है, जब 0 पुट करेंगे तो ये बनेगा 2 टाइम ln 900, और जब 850 पुट करेंगे तो ये बनेगा माइनस का ln 850 माइनस 900 दैट इज 50। इसको सॉल्व कर लीजिए, यही आपका आंसर है, तो ये बनेगा आपका t विल बी इक्वल टू 2 टाइम ln 900 बाई 50, 0 से 0 कैंसिल आउट, 90 बाई 5 होता है आपका 18, सो 2 टाइम ln 18, इस टाइम पर आपकी पॉपुलेशन 0 हो जाएगी, और ln 18 का मतलब हो गया log to the base e 18, और 2 टाइम आपका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, सही होगा। क्लियर है, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और दैट इज क्वेश्चन नंबर 16, और देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा है कि ये जो डिफरेंस, ये जो कर्व है, ठीक है, इस कर्व के लिए द डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई दिस कर्व, इस कर्व को कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है। देखिए इसके अंदर एक पैरामीटर में से आप एक ही बार इसको डेरिवेटिव कर सकते हो और उसके बाद आपको चेक करना है, तो चलिए बात करते हैं। वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2y इंटू dy बाई dx, इसको y डैश से रिप्लेस करते हैं हम लोग, और x का डिफरेंशिएशन होगा सो देयर विल बी 4a, x का 1 और आगे वाला 0 हो जाएगा। अब वापस इसके अंदर चलते हैं, हमें a को हटाना है तो 4a की जगह पर ये वैल्यू पुट कर दी तो हमें मिलेगा y स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4a की जगह पे 2yy डैश और x प्लस a, और a कितना है हमारा, a की जगह पर हम वैल्यू पुट करेंगे कितनी, यहाँ से जो वैल्यू आई है सो देयर विल बी yy डैश डिवाइड बाई 2, तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर है, तो यहां से देखिए एक वाई से एक वाई तो कट जाएगा, ठीक है, एक वाई यहां से और यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो देखिए हमें कैसा आंसर मिल रहा है, तो एक यहां पर 2 आ रहा है तो ये तो इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से मिलेगा वाई विल बी इक्वल टू, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रहेगा आपके सामने 2x इंटू वाई डैश, सो दैट विल बी dy बाई dx, और साथ में यहाँ पर आएगा प्लस 2 से 2 कट जाएगा y इंटू वाई डैश का होल स्क्वायर दैट इज dy बाई dx का होल स्क्वायर, तो बस यही आपके डिफरेंशियल इक्वेशन है।
ऐसा ऑप्शन आपको जरूर दिया हुआ होगा, और ये कौन सा ऑप्शन है आपका सेकंड, जो कि सही आंसर है, ठीक है ना। y के साथ में dy by dx का होल स्क्वायर प्लस 2x into dy by dx, और इस y को उधर ले गए तो माइनस साइन, बाकी किसी ऑप्शन में ऐसा नहीं बनेगा आपका, क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए फिर से एरिया से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मतलब आपके एरिया से भी एक क्वेश्चन आता है मेंस में और एक क्वेश्चन आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का, ऑलमोस्ट दोनों टॉपिक से एक एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं जेई मेंस में। तो चलिए बात करते हैं, एरिया ऑफ द रीजन ए विल बी इक्वल टू दिस, ठीक है ना, इस रीजन का एरिया क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखिए ये तो आप सबको पता होगा, चार लाइंस होती है आपके सामने इस टाइप से प्लेन के अंदर, ठीक है ना, ऐसी चार लाइंस बनेगी, और 2y स्क्वायर विल बी इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड x, तो मॉड x आ गया तो दोनों कर्व हो जाएंगे 2y स्क्वायर, एक तो ये वाला पार्ट 2y स्क्वायर इक्वल टू x और 2y स्क्वायर इक्वल टू माइनस x, एक ये वाला पार्ट। अच्छा आपके सामने क्या कौन सा रीजन लेना है आपको, तो इनके तो बीच का होगा लाइन का, तो लेकिन कर्व के अंदर का है या बाहर का ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जब भी आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन लगे, ठीक है, तो आप इसमें एक पॉइंट पुट करके चेक कर लीजिए कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अगर इस पॉइंट की बात करूं तो ये 0.1 है, या आप चाहो तो 1.0 को पुट करके चेक कर सकते हो, तो मैं इससे चेक कर रहा हूं इसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। तो y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 0, तो इसको सेटिस्फाई कर गया, दैट मीन्स इस पेराबोला के बाहर का पॉइंट और उसके अंदर का पार्ट, दैट मीन्स आपको ये एरिया निकालना है। अब आप निकाल सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपको रीजन पता चल गया कि कौन सा एरिया निकालना है। सिमेट्रिसिटी से दिखाई दे रहे हैं कि चारों पार्ट्स आपके सामने सेम होंगे, मीन चारों पार्ट्स का एरिया सेम होगा, तो फोर टाइम कर देते हैं ये वाला एरिया निकाल करके, कौन सा वाला, ये वाला, ठीक है ना, इस वाले एरिया को निकालेंगे और उसको क्या कर देते हैं, फोर टाइम कर देते हैं, तो देखिए कितना आएगा। अच्छा इसके लिए आपको इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे, ठीक है ना, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 और साथ में 2y square equal to x, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए होगा। तो y को पुट कर दीजिए 1 माइनस x, सो 2 into 1 माइनस x का होल स्क्वायर इक्वल टू x, सो यहाँ से आएगा 2x स्क्वायर माइनस 5x और साथ में आएगा प्लस 2 विल बी इक्वल टू 0, तो इससे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे 2x माइनस 1 into x माइनस 2, ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5x प्लस x इक्वल टू 1 बाई 2 और 2, तो दिखाई दे रहा है कि ये पॉइंट 1 है तो 1 2 तो होगा नहीं, तो ये पॉइंट क्या होगा, x इक्वल टू 1 बाई 2, तो एक्चुअली आपको 0 से 1 बाई 2 में इंटीग्रेट करना है, किसको, पहले तो लाइन को इंटीग्रेट करना है, तो लाइन है आपके सामने x प्लस y इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस x, फिर इसमें से सबट्रैक्ट कर देना है पैराबोला को, और पैराबोला से y की वैल्यू होगी आपके सामने रूट x डिवाइड बाई 2, और इसको आपको क्या कर देना है, इंटीग्रेट कर देना है, और जो भी एरिया आए उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। फोर से मल्टीप्लीकेशन क्यों, क्योंकि ये हमने एक पार्ट का एरिया निकाला, ऐसे टोटल चार पार्ट है आपके पास, ठीक है ना, यहाँ से डायग्राम में दिखाई दे रहा है, इसको इंटीग्रेट कीजिए, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 और माइनस x टू दी पावर 3 बाई 2 डिवाइड बाई 3 बाई 2, सो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, सो यहाँ पर आ जाएगा 3, और इसमें पुट कर दीजिए लिमिट आपकी कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 1 बाई 2 तक, ठीक है, तो देखते कितना आएगा। 0 से 1 बाई 2 जब इसमें पुट करेंगे, ठीक है, तो क्योंकि देखिए y स्क्वायर की वैल्यू आपके सामने x बाई रूट 2 आएगी, हाँ ठीक है ना, तभी मेरे को लग रहा था कि यहाँ पर कुछ ऐसा आ रहा है आपके सामने, ठीक है, क्योंकि रूट 2 का फैक्टर आ रहा था वहाँ पे, तो वो कैंसिल आउट तभी होगा क्योंकि y स्क्वायर की वैल्यू x बाई 2 का रूट होगा, सो x बाई रूट 2, तो यहाँ पर 3 बाई 2 आएगा, तो एक रूट 2 आपके सामने यहाँ पर ऊपर आ जाएगा, क्लियर है, 3 बाई 2 तो ऊपर 2, नीचे रूट 2 तो ऊपर एक रूट 2 आ जाएगा। इसमें वैल्यू पुट करें, देखिए 1 बाई 2 पुट करना है, 0 तो पुट करने की जरूरत नहीं है, 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 8 और साथ में आएगा यहाँ से माइनस का रूट 2, x की पावर 3 बाई 2, तो सबसे पहले x की पावर 3 करेंगे तो आएगा 1 बाई 8 और फिर उसका रूट करेंगे तो आपको मिलेगा 2 रूट 2, तो नीचे आएगा 2 रूट 2 और एक साथ में रहेगा आपका 3, तो ये पार्ट रहेगा और इसको आपको 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो यही आपका आंसर है। तो रूट 2 से रूट 2 गया और बाकी पार्ट को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो यहाँ देखते हैं, देखिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बाई 2 इंटू 4, सो दैट विल बी 4 इंटू 2, इससे हम मल्टीप्लाई किया माइनस 1 बाई 2
और इसमें मल्टीप्लाई किया तो एक टू कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा माइनस का 2/3। एलसीएम लीजिए 6 आएगा, ठीक है। यहाँ पर डिवाइड किया 6 से, सो ये 12, माइनस 2 से डिवाइड किया 3, और 3 से डिवाइड किया 2, सो देयर विल बी 4। सो 7 सब्ट्रैक्ट होके फाइनली आपका आंसर आ जाएगा, दैट इज 5/6, जो कि आपका कौन सा ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन, जो कि आपका सही आंसर। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछा है, हाँ, कि ये जो है आपके सामने y इक्वल टू दिस इंटू कोसेक x इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो पी एक्स क्या होगा। तो एक्चुअली आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है, और सॉल्व करने के बाद में देखना है, या ये कहें कि इसको डिफ्रेंशिएट करें और इसको डिफ्रेंशिएशन करके dy वाई बाई डी एक्स की वैल्यू इसमें पुट कर दें, और पुट करने के बाद में देखें कि आपके सामने पी एक्स की वैल्यू क्या आ रही है। क्लियर है? सो चलिए बात करते हैं, देखे तो एक काम करते हैं, उसको डिफ्रेंशिएट ही कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन करना ही मेरे हिसाब से ईजी रहेगा। तो चलिए dy वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, dy वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू, देखिए सबसे पहले 2 बाई पाई एक्स माइनस 1 का डिफ्रेंशिएशन कर दें, तो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा 2 अपॉन पाई, x का डिफ्रेंशिएशन 1 का 0 इंटू कोसेक एक्स। अब कोसेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन करें तो कोसेक का होता है कोसेक इंटू कॉट, वो भी विथ नेगेटिव साइन, तो ये होगा माइनस का 2 अपॉन पाई एक्स माइनस 1, और साथ में आएगा कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है। ये dy बाई dx है, इसको यहां पर पुट कर दें, तो इसको यहां पर पुट करेंगे तो देखते हैं कितना आएगा। अच्छा एक चीज हमारे सामने दोबारा देखिए, क्योंकि वहां पर y की टर्म भी यूज हो रही है, तो इसकी जगह पर आप क्या पुट कर सकते हो, पूरे की जगह पर y यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इस जगह पर हम वापस y पुट कर दें, तो ये dy बाई dx की जगह पर आपके सामने आ जाएगा, या इसी को इसी फॉर्मेट में रखें dy बाई dx, ठीक है, इस वाले पार्ट को इधर ले आए, तो इसको इधर लाएंगे तो ये बन जाएगा y इंटू कॉट x, तो ये बनेगा कॉट x इंटू y, और साथ में इक्वल टू में है आपके सामने 2 अपॉन पाई इंटू कॉसेग x। देखिए अब आपको ये बिल्कुल ऐसा ही दिखाई दे रहा है, राइट हैंड साइड में 2 अपॉन पाई, और यही फॉर्मेट है पूरा, सिर्फ आपके सामने एक चीज चेंज हो रही है, जो यहाँ पर पी एक्स है और यहाँ पर कॉट x है, और यही आपका आंसर है। पी एक्स आपसे पूछा गया है, तो पी एक्स की वैल्यू क्या होगी, कॉट x, जो सेकेंड ऑप्शन की आपकी इक्वलेंट होगी। क्लियर है? चलिए आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए क्या है, अगेन आपका एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है वापस, तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बाय द y इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1 एंड y इक्वल टू 1 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए दो पैराबोला है, एक x स्क्वायर माइनस 1 और एक 1 माइनस x स्क्वायर, दोनों का डायग्राम आप सबको पता है कैसा होगा, एक ऐसा है और दूसरा ऐसा है। क्लियर है? सीधा सा लगा सकते हैं अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, ठीक है, मेरे हिसाब से तो इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक दोनों के रूट सेम है, माइनस 1 से 1 तक, सो माइनस 1 से 1 में इंटीग्रेट कर दीजिए, अपर कर्व है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इसमें से सबट्रैक्ट करना है आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, और साथ में कितना डी एक्स, सो 1 से 1 कट जाएगा, 2 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 2 बाहर, एक डबल कर देते हैं उसके लिए, सो 0 से 2, और साथ में एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, सो एक्स क्यूब बाई 3, और एक्स क्यूब के अंदर जब लिमिट पुट करेंगे तो बाहर है आपके सामने 4 डिवाइड बाई 3 इंटू एक्स क्यूब, एक्स क्यूब में 2 पुट करेंगे तो वो आ जाएगा आपका 8, तो आपका आंसर आ जाएगा 32 डिवाइड बाई 3। ऐसा ऑप्शन है हमारे सामने, ऐसा नहीं है तो हमने कहीं गड़बड़ किया, देखिए एक बार दोबारा, 1 से 1 तो गया नहीं, गया नहीं, यही गड़बड़ कर दी ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये बनेगा 2x स्क्वायर, और साथ में एक पार्ट और आएगा इसमें, और वो क्या होगा आपका, दैट इज माइनस 2, ठीक है ना, तो इसको भी इंटीग्रेट करना है, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर आएगा साथ में माइनस का 4 इंटू 2 दैट इज 8, और x के अंदर जब लिमिट पुट करेंगे तो लिमिट है हमारे सामने क्योंकि इसके साथ में x आएगा, और x में जब लिमिट पुट करेंगे तो 2 माइनस 0 सो दैट इज 2, सो 8 इंटू 2 16। अब इसके अंदर जो पार्ट आएगा आपके पास में, ठीक है ना, वो आपका एरिया होगा, तो वो कितना आ रहा है देखिए, 16 इंटू 2 48 माइनस 32 सो देयर विल बी 16/3,
माइनस साइन आ रहा है लेकिन एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, सो दैट इज 16/3। वैसे माइनस साइन आना नहीं चाहिए था बट मेरे हिसाब से हमने कुछ गड़बड़ किया है, ठीक है। अपर माइनस लोअर, हाँ ये आपके सामने अपर कर्व है और ये लोअर कर्व है, ठीक है, इसलिए आपके सामने माइनस साइन आ रहा है। तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस साइन यूज करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने सीधा सा पॉजिटिव साइन आ जाएगा, ठीक है। और बाकी अगर नेगेटिव आ भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, तो लास्ट में आप उसको क्या कर दीजिए, पॉजिटिव कर दीजिए। चलिए आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 है आपका अगेन किस चीज से रिलेटेड, डिफरेंशियल इक्वेशन से। अच्छा इंटीजर टाइप के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, ठीक है, तो इंटीजर टाइप में आपके जो भी आंसर्स आएंगे वो इंटीजर फॉर्मेट में आएंगे। चलिए बात करते हैं पहला क्वेश्चन, इफ द कर्व दिस, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, ये इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है जो पास कर रहा है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दिस एंड दिस, तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट हम निकाल सकते हैं और y ऑफ 1 की वैल्यू पूछी गई है। सो चलिए बात करते हैं, देखिए 2xy² - y (dx) + xdy, ठीक है। तो अगर हम देखें कि dy/dx या अगर इसके अंदर हम डायरेक्ट अगर बात करें, ठीक है, कि ये किस चीज़ का इंटीग्रेशन है, तो इसमें देखिए अगेन देखिए वाई स्क्वायर की टर्म आ रही है तो हम इसको इधर ही रखते हैं, 2xy² को (dx) और बाकी पार्ट को उधर ले जाते हैं तो ये बन जाएगा (ydx) और ये बन जाएगा (xdy)। y स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, सो 2x(dx) विल बी इक्वल टू (ydx - xdy) और डिवाइड बाई वाई स्क्वायर। इंटीग्रेट किया तो इसका इंटीग्रेशन x² ये किसका डिफ्रेंशिएशन है, x/y और प्लस c। देखिए परफेक्ट डिफ्रेंशिएशन से अगर हो जाता है ना तो क्वेश्चन को हमेशा इसी से सॉल्व कीजिए, ऊपर x का डिफ्रेंशिएशन बाद में y का डिफ्रेंशिएशन मीन्स x/y का डिफ्रेंशिएशन, ये आपका आंसर है। इसके लिए आपको सी निकालने के लिए इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना होगा, तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कीजिए किससे, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, तो ये है 4x - 6y विल बी इक्वल टू 2। इसको 3 से कीजिए तो 9x + 6y विल बी इक्वल टू, इसको हमने 2 से किया था उसको 3 से, सो दैट इज 24, दोनों को एड कर दिया तो 13x विल बी इक्वल टू 26, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। x की वैल्यू 2 पुट कर दी किसी एक इक्वेशन में, सो 4 - 1 = 3, सो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, तो x 2 है आपका और y 1 है, ठीक है, 6 + 2 = 8, बिल्कुल सही। तो इसमें पुट कर दीजिए c आ जाएगा, c की वैल्यू आएगी 4 विल बी इक्वल टू x को 2 y को 1 प्लस c, तो c की वैल्यू आ गई 2। c 2 आ गया तो यहाँ पर c की वैल्यू पुट कर दें तो आपको मिलेगा x² = x/y + 2। अब आपको क्या करना है, y ओ 1 निकालना है, मीन्स जब x की वैल्यू 1 है सो 1 विल बी इक्वल टू 1/y + 2, तो यहाँ से 1/y की वैल्यू आएगी -1, मीन्स y की वैल्यू -1, लेकिन आपको उसका मॉडुलस भी लेना है, तो उसका जब मॉडुलस लेंगे आप, ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, दैट इज 1, सो 1 आपका क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, तो सिंपल क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा आपको अच्छी तरीके से इस पर काम करना था सिस्टमेटिक तरीके से। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21, और क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर आपको बोला गया है कि ये एक फंक्शन है और इस फंक्शन के आपको क्या करना है, एरिया बाउंडेड बाय द y = fx and x-axis will be a, इन दोनों से बाउंडेड एरिया अगर a है देन वैल्यू ऑफ 6a विल बी कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो वर्ड्स आते हैं ना मिनिमम और मैक्सिमम, इसके लिए आपको थोड़ा सा ग्राफ अच्छे से बना करके -3 से 1 तक आपको ग्राफ बनाना है, लेकिन सारे ग्राफ्स अच्छे से बना के उसका मिनिमम पार्ट और इसका मैक्सिमम पार्ट और उसके बाद जो भी बाउंडेड पार्ट आ रहा है तो उसका एरिया आपको देखना है। तो चलिए सारे ग्राफ्स की बात करते हैं, पहला ग्राफ बनाना है आपको -3 से 0 के अंदर, तो देखिए x² का जो ग्राफ होता है -3 से 0 के अंदर वो आपका इस टाइप का रहेगा, ठीक है, -3 से 0 में। x + 6 का जो ग्राफ होगा पॉजिटिव स्लोप पॉजिटिव इंटरसेप्ट वो बढ़ता हुआ ग्राफ होगा, ठीक है, x = -3 पर इसकी वैल्यू +3 होगी और x = 0 पर इसकी वैल्यू 6 होगी, ठीक है, लेकिन इससे कम होगी क्योंकि इसकी वैल्यू 9 है, ठीक है, तो इसके यहाँ पर नीचे होगी, ठीक है, और x = -3 पर इसकी वैल्यू +3 होगी, तो ये यहाँ से शुरू होता हुआ ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा, दैट पॉइंट विल बी -3 पर इसकी वैल्यू कितनी है +3 और उसकी वैल्यू 9 है। ये तो आपके इधर वाला ग्राफ बन गया -3 से 0 में। अब 0 से 1 में रूट एक्स और x² का बनाना है, तो x² का ग्राफ होता है आपके सामने ऐसा,
और 0 से 1 में आप सबको पता होगा जिसकी पावर ज्यादा होगी वो छोटा होगा, तो जो रूट एक्स का जो ग्राफ होगा ना वो इसके ऊपर बनेगा, ठीक है ना। ये तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ था, ठीक है, और रूट एक्स का जो ग्राफ होगा आपके सामने वो इसके ऊपर बनेगा ऐसा, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पर, ठीक है ना, 0 से 1 में, ठीक है ना। ब्लैक वाला जो है वो रूट एक्स का ग्राफ है, किसका है, रूट एक्स का, और जो रेड वाला था हमारे सामने वो किसका था, एक्स स्क्वायर का। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर की वैल्यू कम होगी आपकी कंपेरेटिव रूट एक्स, ठीक है। जिसकी पावर ज्यादा होगी वो नंबर छोटा होगा, जिसकी पावर कम होगी वो नंबर बड़ा होगा। अब इसका तो आपको मैक्सिमम पार्ट लेना है और उसका आपको मिनिमम पार्ट लेना है। तो मिनिमम में देखिए, पहले तो ये आएगा, फिर आपके सामने ये आएगा, इन दोनों में से तो, और इसमें मैक्सिमम वाला लेना है, मींस रूट एक्स वाला लेना है आपको 0 से 1 में, तो वो पार्ट तो हो जाएगा इजीली इंटीग्रेट। सबसे पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, एक्स स्क्वायर और एक्स प्लस सिक्स का, ये हमें चाहिए होगा। सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स विल बी इक्वल टू 0, एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 2। सो एक्स इक्वल टू माइनस 2 इनका क्या होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट, क्योंकि 3 तो होगा नहीं, 3 आएगा लेकिन वो पॉइंट उधर आएगा जो हमारा काम का नहीं है, ठीक है। माइनस 3x प्लस 2x दैट इज माइनस x, सो माइनस 2 जो पॉइंट है वो आपका क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट। सो माइनस 3 से माइनस 2 में तो आपको लाइन को इंटीग्रेट करना है। अच्छा, आपको करना क्या है, इनका और साथ में x एक्सिस से बाउंडेड एरिया, हाँ, तो माइनस 3 से माइनस 2 तक लाइन को इंटीग्रेट करना है, x प्लस 6 इंटू dx, माइनस 2 से 0 तक आपको पेराबोला को इंटीग्रेट करना है एक्स स्क्वायर इंटू dx को, और 0 से 1 में आपको इंटीग्रेट करना है रूट एक्स dx को। बस ये इसका जो आंसर होगा वो आपका क्या होगा, a होगा। तो अब यहाँ से आप a निकाल सकते हो, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 6x, इसमें लिमिट पुट करनी है माइनस 2 से माइनस 3, प्लस एक्स क्यूब बाई 3, इसमें लिमिट पुट करनी है माइनस 2 से 0, प्लस एक्स टू दी पावर 3 बाई 2 डिवाइड बाई 3 बाई 2, तो इधर तो हो जाएगा 2 बाई 3 इंटू एक्स टू दी पावर 3 बाई 2, इसमें लिमिट पुट करनी है 0 से 1। यहाँ से जो भी आंसर आए उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखिए 6a की वैल्यू कितनी आएगी, 6 टाइम इसमें वैल्यू पुट करते हैं, दैट इज 4 बाई 2, यहाँ पुट करेंगे तो माइनस 12, इसमें माइनस 3 पुट करेंगे तो ये माइनस साइन के साथ आएगा, क्यों, क्योंकि माइनस साइन आएगा और स्क्वायर में प्लस हो जाएगा, सो देयर विल बी 9 बाई 2, और ये 6 इंटू 3 माइनस 18 होगा जो कि प्लस 18 बन जाएगा। ये पहला पार्ट हो गया, दूसरे वाला पार्ट 0 हो जाएगा, पहला ऊपर वाला पार्ट, फिर माइनस साइन के साथ में आएगा, माइनस 2 पुट करेंगे, सो माइनस 2 क्योंकि क्यूब है तो वो प्लस हो जाएगा, सो देयर विल बी 8 बाई 3, ठीक है, क्योंकि माइनस 2 पुट किया, यहाँ पर 1 पुट करना है तो यहाँ पर सिर्फ एक ही आंसर आएगा, दैट इज 2 बाई 3, और इस पूरे के बाहर आपका कितना है, 6 है। इस 6 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए कितना आएगा, सबसे पहले 4 इसको कर देते हैं, 18 माइनस 12 दैट इज 6, सो 6 इंटू 6 देयर विल बी 36, पहला पार्ट 36, 4 माइनस 9 दैट विल बी माइनस 5 बाई 2, तो माइनस 5 इंटू 6 या माइनस 5 इंटू 3, सो देयर विल बी माइनस 15, ये पहला ब्रैकेट, दूसरे के अंदर मल्टीप्लाई किया 6 का तो 2, 8 इंटू 2, सो देयर विल बी 16, और तीसरे के अंदर मल्टीप्लाई किया 6 का सो देयर विल बी 4, तो ये आपका आंसर है। कितना आ रहा है देखिए, चेक कीजिए, 16 प्लस 4 20, 20 माइनस 15 देयर विल बी प्लस 5 एंड 36 प्लस 5 41, सो 41 विल बी द करेक्ट आंसर, और यही आपका क्या है, आंसर है। बस सिस्टमेटिक तरीके से कीजिए, सारा आंसर बिल्कुल आपका सही आएगा और एकदम आराम से आ जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22, और क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में फिर से देखिए, आपको एरिया निकालना है बाउंडेड बाय द कर्व, ठीक है, इन कर्व से बाउंडेड एरिया क्या होगा एंड एक्स एक्सिस। तो ये कर्व क्या है, ये आपके सामने एक मॉड फंक्शन है, ठीक है, जो माइनस 2 तक आ रहा है, मीन्स इस तरीके से, और एक्स एक्सिस, तो इनसे जो बाउंडेड एरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है, एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इस वाले पार्ट का आपको एरिया निकालना है। तो इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है ना, कौन से पॉइंट तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ठीक है, तो ये जो पॉइंट होगा इसका एरिया तो आप वैसे भी सीधा भी निकाल सकते हो, आपको इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है। ये पॉइंट होगा आपका x इक्वल टू 1, और माइनस 2 आपने किया है तो ये पॉइंट होगा आपका 1 से 2 स्टेप इधर जाएंगे, सो देयर विल बी 3, 0, और इधर आएंगे तो ये होगा -1, 0, इधर x इक्वल टू नीचे तक आएंगे तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 1, 2, ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हो जाएंगे आपके सामने।
ठीक है, एक वन कॉमा माइनस टू होंगे कोऑर्डिनेट्स, ठीक है ना, क्योंकि नीचे है, बट हमें क्योंकि एरिया निकाल रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो वन बाई टू इंटू हाइट दैट विल बी टू, और बेस कितना हो जाएगा आपका 4, इससे कट जाएगा और आपका सीधा आंसर आ जाएगा 4, ठीक है ना। जरूरी नहीं आप एरिया इंटीग्रेशन से ही निकालें, अगर सीधा निकल रहा है किसी भी तरीके से तो उसको इस तरीके से डायरेक्ट सॉल्व कीजिए। चलिए आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर आपसे पूछा गया है कि ये इतना बड़ा जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो चलिए बात करते हैं इस एक्सप्रेशन की। इसके लिए आपको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, क्योंकि y निकालना है और y निकालेंगे तभी पता चलेगा। तो e टू दी पावर साइन वाई इंटू कॉस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है ना, डी वाई बाई डी एक्स है, साथ में आएगा प्लस e टू दी पावर साइन वाई इंटू कॉस एक्स विल बी इक्वल टू कॉस एक्स। तो सबसे पहले देखिए e टू दी पावर साइन वाई को t मानते हैं, तो आएगा e टू दी पावर साइन वाई इंटू कॉस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। देखिए यहाँ से आपका क्वेश्चन ईजी बन जाएगा, आपको ऐसा दिखाई देगा e टू दी पावर साइन टी साइन वाई ये पूरा बन गया आपके सामने डी टी बाई डी एक्स, प्लस इसको आपने t मान लिया था तो ये बन जाएगा कॉस एक्स इंटू टी, और इक्वल टू के अंदर भी है आपके सामने कॉस एक्स, ठीक है। इसके बाद आपको फिर से इसके अंदर इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखना है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e टू दी पावर कॉस एक्स का इंटीग्रेशन इंटू डी एक्स, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सीधा साइन एक्स ही होता है, तो e टू दी पावर साइन एक्स। तो ये बन जाएगा आपके सामने t इंटू e टू दी पावर साइन एक्स, और इक्वल टू में आ जाएगा आपके सामने कितना e टू दी पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। इसको इंटीग्रेट करने का आपके सामने एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, e टू दी पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, या आप चाहें तो इसमें इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स यूज करके इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है, बट आप सबको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है, e टू दी पावर साइन एक्स एज इट इज रहता है, साथ में इनके जो कॉपिशेंट्स होते हैं उनका स्क्वायर नीचे आता है, सो 1 प्लस 1 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज 2, ठीक है, क्योंकि दोनों जगह पे 1 1 है सो दैट इज 2। इसके बाद ऊपर आपके सामने क्या आएगा, ठीक है ना, ऊपर आपके सामने दो बार टर्म आएगी, एक बार तो ये एज इट इज कॉस एक्स, ठीक है, जो यहाँ पर आपके सामने प्रेजेंट है, ठीक है, और एक बार उसका डिफरेंशिएशन आएगा सो दैट इज माइनस साइन एक्स, ठीक है ना, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। और ये है आपके सामने क्या, टी इंटू ई टू दी पावर साइन एक्स, तो ये तो कट जाएगा, और प्लस सी। एक्स इक्वल टू जीरो पर वाई जीरो दिया है, तो देखिए ये जीरो हो जाएगा, ठीक है, ये आपके सामने यहाँ पर जीरो हो जाएगा, इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए e टू दी पावर साइन वाई, ठीक है, तो यहां से जब आप c की वैल्यू निकालेंगे तो c की वैल्यू आ जाएगी, x को जीरो और y को जीरो पुट किया, ठीक है, सो देखिए कितना आ रहा है, एक बार चेक कर लेते, ये जीरो हो जाएगा तो 1, इधर 1 बाई टू, ठीक है ना, cos जीरो आपके सामने कितना होता है 1, और sin आपके सामने कितना हो जाएगा 0, सो प्लस c, तो यहां से c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 बाई टू। c की वैल्यू 1 बाई टू पुट कर दें, ठीक है, और e टू दी पावर साइन एक्स वहां पर आ रहा है, e टू दी पावर साइन वाई है, इधर e टू दी पावर साइन एक्स है, ठीक है, तो फाइनली आपको यहां से क्या मिलेगा, अब ये सारी वैल्यूज निकालनी है आपको, ठीक है, तो ये सारी जो वैल्यूज होगी, ठीक है, ये कौन से फॉर्मेट में आ रही है, ठीक है, तो ये सारी की सारी वैल्यूज आपकी इस वाले फॉर्मेट में रहेगी, e टू दी पावर साइन एक्स और e टू दी पावर साइन वाई, ठीक है, लेकिन ये टोटल जितने भी टर्म्स है ना, इन सारी टर्म्स का जब आप सम कैलकुलेट करेंगे तो सारा कैंसिल आउट होकर के जीरो आ जाएगा, और फाइनली आपके सामने यही बचेगा 1। इसको कैलकुलेशन अगेन आप लोगों को करनी है, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, कैलकुलेशन आप कर सकते हो, इंटीग्रेशन हो चुका है वैल्यूज पुट करके। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 24, और जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, सो चलिए बात करते हैं इसके बारे में, द डिफरेंस बिटवीन द डिग्री एंड ऑर्डर। देखिए इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाते हैं, डिग्री और ऑर्डर का डिफरेंशिएशन क्या होगा इस कर्व के लिए। देखिए सबसे पहले ऑर्डर तो आपको सीधा पता चलना चाहिए, इसका ऑर्डर तो 1 होगा, क्यों होगा 1, क्योंकि इसके अंदर एक ही आर्बिट्री कॉन्स्टेंट है a, और एक है तो उसको तो आप रिमूव कर नहीं सकते, तो इसका ऑर्डर तो 1 होगा। अब डिग्री निकालने के लिए आपको इसका डिफरेंशिएशन करना होगा, और देखते हैं कि कितना होगा, तो y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y into dy by dx, x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, तो यहां से आ जाएगा a।
तो ये a की वैल्यू आ गई 2 टाइम y इंटू वाई डेज, और ये a इसमें वापस पुट करें तो हमें मिलेगा y स्क्वायर विल बी इक्वल टू a की जगह पे 2y y डेज, और साथ में आएगा x प्लस रूट a बाई टू। सो a की जगह पर वैल्यू पुट कर दी 2y y डेज का रूट और डिवाइड बाई, साथ में नीचे है 2, ठीक है। यहाँ से एक y कट जाएगा, उसको काट दीजिए। लेकिन देखिए अभी ये आपका कम्प्लीटली सॉल्व नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि अभी इसके अंदर हमारे सामने रूट प्रेजेंट है, ठीक है। डिग्री निकालने के लिए हमें रूट को हटाना पड़ेगा, तो हम एक काम करते हैं इसके अंदर स्क्वायरिंग कर देते हैं दोनों साइड। लेकिन स्क्वायरिंग कैसे करेंगे? इस टर्म को इधर ला करके, सो y माइनस टू टाइम y डेज x, इसको इधर ला के स्क्वायर किया तो इधर बचा हमारे सामने 2y, सो देयर विल बी 4 इंटू y डेज का स्क्वायर, और साथ में यहाँ पर आपके सामने इस ये 2 से 2 तो कट जाएगा, इसको तो हटा दीजिए, यहाँ से आ जाएगा 2 टाइम y इंटू y डेज। अब ये आपके सामने इस रूट वगैरह सब कुछ यहाँ पर हट चुका है। अब आपको इसमें देखना है कि dy by dx की हाईएस्ट पावर क्या है। तो इधर से तो आएगी 2, और यहाँ पर y डेज का स्क्वायर और एक y डेज और आ रहा है, तो इधर से आ रही है 3। और dy by dx की जो हाईएस्ट पावर होती है वही आपकी डिग्री होती है, तो यहाँ पर डिग्री की वैल्यू आपके सामने कितनी है? देयर विल बी 3। सो आपसे पूछा गया कि डिग्री और ऑर्डर का डिफरेंस कितना होगा, सो दैट इज 3 माइनस 1, और 3 माइनस 1 आपका फाइनली आंसर कितना आ जाएगा? 2। और यही आपका इसका क्या है? आंसर। क्लियर है? इसी के साथ आपका ये कंप्लीट होता है एरिया और डिफरेंशियल इक्वेशन का जो हमारा पार्ट था, ठीक है। सारे क्वेश्चंस को हमने सिस्टमेटिक तरीके से सॉल्व किया, बट हाँ जहाँ पर भी थोड़ा सा कोई कैलकुलेशन वाला पार्ट था, ठीक है, तो उसको हम लोगों ने यहाँ पर एस्के उसको छोड़ा है, ठीक है। तो उसको आप लोग क्या कर सकते हैं? सब लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? ओके, थैंक यू वेरी मच।